जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ हमारे सभी अतिथि आ चुके हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ हमारे संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह जी दो शब्दों के माध्यम से आज के व्याख्यान शुरू करने का अनुमति प्रदान करें। प्रोफेसर राजेश शाह जी, संकाय प्रमुख संगीत एवं मंच कला संकाय। धन्यवाद प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी। ताल यज्ञ की इस गंगा में हम लोग 7 दिन से गोते लगा रहे थे, आज 8वां दिन और आज हम लोग के समक्ष दो मुख्य अतिथि वक्ता पधार चुके हैं। मैं संकाय की तरफ से और वाद्य विभाग की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत है आपका डॉक्टर अमित वर्मा जी और डॉक्टर वसुधा सक्सेना जी, आप दोनों का बहुत ही स्वागत है वाद्य विभाग की तरफ से। जैसा कि 7 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, सभी अतिथि वक्ता, वो चाहे बोलना हो या सुनना हो, सभी उपस्थित रहते हैं। उसी तरह आज भी अधिकतर लोग आ चुके हैं और कुछ आने की प्रक्रिया में हैं। तो मैं जो आ चुके हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। पंडित विजय मिश्र जी और एक दो लोगों का नाम मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, गौरांग भाव सर जी हैं। गौरांग गौरांग जी आ चुके हैं, तो मुझे ये पलटना पड़ता है थोड़ा। तो जो भी आ चुके हैं, मैं नाम अगर नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी का मैं स्वागत करता हूँ और मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि आज वैसे भी हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं शुरू करने में। आज दो दो हमारे अतिथि वक्ता हैं तो उनको ज़्यादा वक्त मिले, इसलिए मैं सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। क्योंकि सभी गुरुजन हैं और उनके भी गुरुजन हैं, तो मैं सभी पूर्वा पूर्वाचार्य लोगों को और अपने सभी गुरुजनों को जो उपस्थित हैं यहाँ, सभी को आज के पर्व की बधाई देता हूँ। आज बहुत शुभ दिन है कला के क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये पर्व ही कला के क्षेत्र के लोगों के लिए जैसे बना है। और ज्योतिष, संगीत, पेंटिंग, इस तरह के कला के क्षेत्र इस पर्व के महत्व को जानते हैं। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय रोज दिया हम लोगों को, आगे और अभी 8 तारीख तक हमको अपना समय, बहुमूल्य समय देते रहेंगे। पुनः पुनः स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सबको विदित है, आज दो व्याख्यान हैं। पहला व्याख्यान डॉक्टर वसुधा सक्सेना जी का है, दूसरा व्याख्यान डॉक्टर अमित वर्मा जी का है। पहला व्याख्यान डॉक्टर वसुधा सक्सेना जी का ताल के लक्ष्य लक्षण के स्वरूप में एक रूपता इस विषय पर है। डॉक्टर वसुधा जी का जन्म 26 मई 1970 को हुआ और आपने उस्ताद शबीर अहमद खान, फिरोजाबाद लखनऊ से अपने तबले की प्रारंभिक शिक्षा ली और उसके तत्पश्चात आपने पंडित रंगनाथ मिश्रा जी, बनारस घराना, और उस्ताद रमन खान जी, दिल्ली घराना, इतने गुणी लोगों से आपकी तबले की तालीम हुई। आपको संगीत नाटक अकादमी स्कॉलरशिप मिली और आप राजस्थान संगीत संस्थान में 1995 से हैं। वसुधा जी ऑल इंडिया रेडियो की नियमित कलाकार हैं। कई वर्षों से आप
आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं। आप की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिसमें आपका जो ये रिसर्च वर्क है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तार के लक्ष्य लक्षण स्वरूप में एकरूपता और ये पुस्तक के रूप में हमारे सामने उपलब्ध भी है और वसुधा जी का है तबले के किसी भी विषय के ऊपर वो अनवरत उनका चिंतन चलता रहता है। मैं जब भी जयपुर जाता हूँ तो कई विषयों पे उनसे चर्चा होती है और उन्होंने तबले के कई विषयों पर अपना स्वतः उनका उनका स्वचिंतन भी है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे कि लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या होते हैं, ये अक्सर देखने को मिलते हैं कि हम कहते क्या हैं होता क्या है। तो ऐसी बहुत सारी हमारे संस्थागत शिक्षण प्रणाली में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं आज ये एक महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए मैं वसुधा जी को निमंत्रित करूं, उसके पहले मैं हमारी विभागाध्यक्षा प्रोफेसर संगीता सिंह जी को निमंत्रित करता हूं कि स्मृति रूप उनको उनके सम्मान में सम्मान पत्र शब्द हम सब लोगों को शुभकामना के रूप में दें। प्रोफेसर संगीता सिंह जी, मैं सभी गुरुजन को प्रणाम करती हूँ और आज के इस पावन दिवस पर मेरा एक मैं रह नहीं पा रही हूँ कि जो हमारे तबले के क्षेत्र में विद्वानों ने जो योगदान दिया, मैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करना चाहूंगी अपनी वाणियों के माध्यम से। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन विभागाध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य है, तो मैं उस कर्तव्य को निर्वाह कर रही हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत एवं मंच कला संकाय वाद्य विभाग द्वारा हमारे तबले के क्षेत्र में योगदान देने वाले उन गुरुजनों को मैं नमन करती हूँ। जैसे हमारे पंडित रामकृष्ण पर्वतकर को मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ आज के इस गुरु पूर्णिमा पर। पंडित छोटेलाल मिश्र जी को मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ इस पावन दिवस पर। पंडित राम जी मिश्र जी को नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ आज के गुरु पूर्णिमा दिवस पर। पंडित पंडित पाचू महाराज जी को भी मैं नमन करती हूँ एवं पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। पंडित बद्री नारायण मिश्र जी को भी मैं नमन करती हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं इसके पहले जमीन वो सब बना गए हैं और उनका जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। उनकी साधना है जो शिष्य के रूप में वो पैदा करके गए हुए हैं, जो जिनकी विद्या वो सारे शिष्य से विस्तार कर रहे हैं, प्रस्तार कर रहे हैं। जैसे हमने अभी रवि गुरु जी का सुना इतना सुंदर तबला, तो बहुत सारे हमारे छोटेलाल गुरु जी के भी शिष्य हैं जो अपने देश विदेश में उनके नाम और उनकी जो कार है उनका जो साधना है वो सब अपने अपने प्रस्तार विस्तार में सब लगे हुए हैं उनकी। क्योंकि शरीर जरूर चला जाता है, पांच तत्व में विलीन हो जाता है, किए हुए हमारे कर्म अमिट हैं, वो कभी नहीं वो मिट सकते हैं, वो इस जगत में ही रह जाता है। तो उन महान विभूतियों को मैं बहुत आज के दिन में मैं बहुत नमन एवं पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही जितने गुरुजन हैं, मैं इस मोबाइल में छोटे से मोबाइल में देख नहीं पाती, लेकिन मैं हृदय से उनका उनको मैं प्रणाम करती हूँ आज के इस गुरु पूर्णिमा पे और आशीर्वाद चाहती हूँ कि हमें आशीर्वाद दें। मैं बहुत छोटी हूँ अभी और बहुत सारे काम करना है और आप लोगों का जो प्रेम है और ये जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है इससे बड़ी ऊर्जा और शक्ति मिलती है। और निश्चित हम और हमारे उद्धव सर और भी जितने लोग हैं हम लोग मिलके अच्छे अच्छे काम भविष्य में जरूर करेंगे। तो साथ में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आज की हमारी आज की व्याख्यान माला में आमंत्रित डॉक्टर वसुधा जी को वसुधा सक्सेना जी को मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और कि आप आए और हमें अपने ज्ञान से अभिषेचित करें। और मैं आपके सम्मान में सम्मान पत्र पढ़ना चाहूंगी। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय PHU द्वारा 28 जून से 8 जुलाई 2020 तक आयोजित
लय ताल प्रज्ञा प्रवाह में डॉक्टर वसुधा सक्सेना अपने उत्कृष्ट ज्ञान व वक्तव्य से संगीत जिज्ञासुओं को अभिशंसित करें। वाद्य विभाग आपके इस अमूल योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है व आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। मैम आपका स्वागत है और सभी विद्वजन को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद उद्धव जी को मंच सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छा आज सब गुरुओं को याद किया। यहाँ पे जैसा कि मैडम ने बताया, पर्वतकर जी यहाँ के पहले तबला के गुरु रहे और उसके बाद फिर पांचू महाराज जी बहुत सुप्रसिद्ध तबला वादक बनारस घराने के, और उसके बाद पंडित छोटेलाल मिश्रा जी। ये परंपरा चली आ रही है और यहाँ पे एक से एक महान तबला वादकों का यहाँ पे योगदान रहा है, जिसमें हमारे शारदा साहब जी, पंडित रामजी मिश्रा जी, ऐसे पंडित प्रकाश महाराज जी, शिव शंकर मिश्रा जी, श्रीकांत मिश्रा जी, बहुत बहुत बड़े गुणी कलाकारों का यहाँ पे अब योगदान रहा है। तो हम सब लोग उनको नमन करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ आज की हमारी अतिथि वक्ता डॉक्टर वसुधा सक्सेना जी को कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। आवाज अभी एक वसुधा जी वहां से आ भाई। हाँ जी जी हाँ, सभी को नमस्कार और जी। समस्त गुणीजनों को और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही मैं प्रवीण जी, संगीता जी और राजेश जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और प्रवीण जी का विशेषकर धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस धारा प्रवाह जो गंगा बह रही है ताल की, उसने मुझे अवसर दिया। मुझे बहुत ही खुशी प्राप्त हुई और आज इस पावन दिन पर मुझे मौका मिला, ये मेरे गुरु की ही कृपा है और सभी बड़ों का आशीर्वाद है। पंडित विजय शंकर जी को मेरा प्रणाम, सब मेरे बड़े भाई के जैसे हैं। मैं बहुत कुछ, टाइम काफी हो गया इसलिए अपने मुद्दे पर ही आ जाती हूँ और अपना जो सब्जेक्ट है उस पर अपनी चर्चा को शुरू करती हूँ। कल अजराड़ा घराने में कायदा पेशकार की चर्चा हुई थी जो बहुत ही सुंदर चर्चा थी, तो मैं जो संस्थागत शिक्षण प्रणाली में कायदा पेशकार, बच्चों की एक बहुत जिज्ञासा रहती है कि कायदे के साथ पेशकार का नाम क्यों जुड़ा हुआ है या पेशकार के साथ कायदे का नाम क्यों जुड़ा हुआ है, तो ये एक जिज्ञासा रहती है कि हम इसको क्यों जोड़ते हैं जबकि कायदा अलग है पेशकार अलग है, तो हम इसको क्यों इस तरीके से जोड़ते हैं, कहाँ नियमों में लक्षण में क्या है और लक्ष्य में क्या है। तो इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए पेशकार के विषय में आपको बताना चाहूंगी कि किन किन किस पुस्तकों में कुछ क्या क्या मिलता है। तो पेशकार के संदर्भ में तबला शास्त्र में लिखा गया है कि पेशकार एक विशिष्ट तथा कठिन प्रकार के कायदे को कहते हैं जिसके बोलों से डगमगाती चाल के पलटों का विस्तार हो सके और जिसमें लय बार की कठोर नियमबद्धता ना हो। उपयुक्त परिभाषा में डगमगाती लय का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त तबला कौमुदी, ताल तरंग, ताल प्रकाश, ताल मातंड, तबला अंक में इस प्रकार उल्लिखित है कि पेशकार का शाब्दिक अर्थ पेश करना है। इसका निर्माण कायदे के समान ताल के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, किंतु कायदे के समान पलटों के लिए इसमें कोई नियमबद्धता नहीं होती है और इसमें जो खाली वाला कायदे में तो हम ताल के ताल खाली और भरी का ध्यान रखते हुए पलटे करते हैं, जबकि पेशकार में हम खाली वाले भाग को भरते हुए उसकी तिहाई लगाते हुए सब पर आते हैं। ताल प्रकाश का एक उदाहरण है धीक्र धिनता, अद्धा धिनता, धाति धाति, धाधा धिनता, तीक्र धिनता, अत्ता धिनता, धाति धाधा धिनता। इस उदाहरण में ताली खाली को दर्शाया गया है, जबकि लक्षण रूप में खाली के महत्व को दृष्टिगत रखना नकारा गया है। प्रोफेसर सुधीर कुमार वर्मा जी से मेरी इस विषय में चर्चा हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा, उनके अनुसार मैंने कोट किया है,
की पेशकार आरंभ में बजने वाली एक ऐसी रचना है जिसमें अवग्रह के प्रयोग द्वारा मात्रांशों को विभिन्न जरब द्वारा व्यक्त करते हुए चलते हैं। इसका विस्तार लय भेद से किया जाता है। विस्तार करते समय प्रत्येक बार सम पर आने के लिए भिन्न भिन्न तिहाई बजाना आवश्यक होता है, पर दिल्ली बाज की प्रमुख विशेषता है धीकृतता ही मुख्य रूप से पेशकार कहलाता है। इसमें यह विलंबित लय में ही बजाया जाता है। पेशकार की एक विशेष उसके लिए कहा जाता है और उसकी एक मान्यता है कि पेशकार विलंबित में बजाया जाता है, क्योंकि पेशकार में हम पूरे अपने बाज को दिखाते हैं, तो वो विलंबित में करके पूरा उसका विस्तार हम वहां पे करते हैं, कोई वहां पे हमारा बाध्यता नहीं है। अतः मेरे अनुसार, अब मैं अपनी बात पर आ जाती हूँ, मेरे अनुसार पेशकार वर्णों में अवग्रह लगाकर लयकारी की विशिष्टता को दर्शाने की वह रचना है जिसकी रचना ताल के खाली भरी के अनुसार की जाती है, किंतु इसमें खाली को नाना प्रकार के बोलों से भरकर प्रत्येक बार नई नई तिहाई लगाकर संपर्क आया जाता है। यह विलंबित लय में ही बजाया जाता है, जैसे धीकृतता अद्धादिनता सभी लोग जानते हैं। अब मेरा आप लोगों से, सभी मनीषियों से विचार ये है कि जब हम कल पेशकार कायदे की बात कर रहे थे तो हम बच्चों को ये पेशकार कायदा है इसके विषय में क्या ये नहीं कह सकते कि कायदा पेशकार एक उसको हम अपवाद के रूप में लेकर के और ये बताएं कि ये अजराड़ा घराने से संबंधित है और यहाँ इस कायदा पेशकार में ना हमें कायदे की भी बाध्यता को नहीं आती है, क्योंकि अगर हम कायदे को लेते हैं तो कायदा तो मध्य लय में बजता है, पेशकार को हम बच्चे कहते हैं कि पेशकार तो विलंबित लय में बज रहा है तो हम कायदा पेशकार इसको कैसे कह सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम बच्चों को कायदा पेशकार के विषय में जब बताएं तो ये बताएं कि इसमें पेशकार और कायदा दोनों की बाध्यता नहीं है नियमों में, और ये विशेष मुख्यतः इसका उपादन जो है अजराड़ा घराने में होता है और कलाकार ने कायदा पेशकार की रचना करके उसको एक नया रूप दिया है, क्योंकि कलाकार नित नए प्रयोग करता है तो हर क्षेत्र में अपवाद होना जरूरी है। तो बच्चों को इस बात से, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से उनकी जिज्ञासा शांत होगी, ऐसा मेरा सोचना है। इसके साथ अब मैं, चूंकि मेरा काम जो है वो आज इसी रूप में है कि मैं लक्षण और लक्ष्य में देखूं, तो लक्षण हमारी चीजों में कई कई चीजों में रहता है अलग अलग, तो मैं ताल के वही पहलुओं को छूंगी जिसमें भ्रांतियां हैं, विसंगतियां हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये मेरी अपनी एक सोच है। तो इसके साथ मैं अब पेशकार से अब मोहरे के ऊपर आती हूँ। मोहरा, मोहरे के विषय में कुछ विद्वान मुखड़ा या मोहरा को एक ही मानते हैं, जैसे श्री मधुकर गणेश गोडबोले जी, तथा कुछ पुस्तकों में इनमें आपस में अंतर भी कहा जाता है। कुछ लेखकों ने मोहरा गायन या वादन के बीच मुखड़ा बनकर सब पकड़ना बताया है। यह ताल की किसी मात्रा से प्रारंभ हो सकता है और चाहे जितनी मात्रा का भी हो सकता है, परंतु प्रायः एक आवर्तन का होता है। इसमें अंतिम तीन बार धा बजाकर सम पकड़ी जाती है। श्री भगवत शरण शर्मा जी के अनुसार और अन्य और भी पुस्तकों में लेखकों के अनुसार मोहरा मुखड़े की अपेक्षा छोटा और मुलायम बोलों का होता है, जबकि डॉक्टर टी आर शुक्ल अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मोहरा मुखड़े की अपेक्षा बड़ा और तिहाई युक्त होता है और ये केवल तबले तक ही सीमित होता है। प्रोफेसर सुधीर वर्मा जी का कहना है कि मुखड़ा मोहरा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसको अलग अलग परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए तथा आरंभ में किसी बोल में लगाए तीये के बाद सम पर आना ही मुखड़ा या मोहरा है। उनका एक तर्क और भी इसमें उन्होंने कहा जो बहुत ही मुझे तर्क सम्मत प्रतीत होता है कि मुखड़ा का संबंध गायन से है। गायन में गायक प्रत्येक बार भिन्न भिन्न प्रकार से मुखड़ा पकड़कर सम पर आता है। कभी कभी तो वह मुखड़ा एक या डेढ़ मात्रा तक का होता है और तबला वादक इस मुखड़े के अनुरूप बोल बजाकर संगति करता है। अतः मेरे अनुसार, अब मैंने इस पर विचार किया तो मेरे अनुसार जो मत है वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ कि वस्तुतः मुख या मुंह
एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, अथा मुखड़ा या मोहरा सम पकड़ने के लिए बजाई गई वह बोल रचना है जो कम से कम एक या आधी मात्रा की तथा अधिक से अधिक एक आवर्तन का होनी चाहिए। यह तीयेदार तथा बिना तीयेदार भी होता है। इसका गायन वादन या वादक की गायकी या वादक के अनुरूप इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुखड़ा और मोहरे को हम जो अलग अलग डिफाइन करते हैं तो हम इसको एक भी कह सकते हैं, क्योंकि मुखड़ा और मोहरे में मुझे नहीं लगता कोई बहुत बेसिक कोई अंतर है। तो इसके साथ ही मैं एक नया उस पर जाती हूँ, कायदा रेला। अब कायदा रेले में भी मुझे यही विसंगति नजर आती है जो कायदा और पेशकार में आती है। कायदे में कायदा हमारा मध्य लय की एक रचना है। कली प्रवीण जी ने बोला था कि हम उतनी ही उसकी स्पीड लेकर के जाएं जिसमें उसका सौंदर्य पक्ष खत्म ना हो, और बहुत अधिक स्पीड में उसका सौंदर्य पक्ष बाधित होता है। तो कायदा और रेला हमारी ये बाध्यता है कि वो अति द्रुत में ही बजाया जाता है। उसको संज्ञा भी दी जाती है कि रेला रेल के समान उसकी स्पीड हो, तो इसलिए हम रेले को अति द्रुत में बजाते हैं। तो बच्चों में एक जिज्ञासा होती है, फिर वही वाली बात जो कायदा और पेशकार की आती है, तो कायदा और रेला तो क्यों एक साथ बोला जाता है। तो मेरे अनुसार मुझे उसमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम इसको बच्चों को कहें कि कुछ रचनाएं हमारे कलाकारों ने सौंदर्य अनुभूति के लिए की हैं, और ऐसी ऐसी रचनाएं करके एक जो अपवाद है वो हम हर फील्ड में होता है। तो कायदा और रेला हम बच्चों को बताएं कि जहां पर कायदा और रेला आएगा वहां पर आपके पास वो बैरिकेड्स नहीं है, वहां पर आप उसके नियमों को नजरअंदाज करेंगे। तो ये ऐसा मेरा मानना है। अब मैं इसके बाद ठेका विषय पे आती हूँ। ठेका मैंने बहुत सारी उसमें देखा कि हमारे जो विषय है तबले में बहुत सारे ठेके प्राप्त होते हैं। कुछ कुछ जगह तो ये स्थिति है कि ठेके के लिए मैंने एक ही मात्रा के अनेक ठेके एक ही नाम से प्राप्त हुए। अनेक मात्रा के ठेके तथा बड़ी बड़ी एवं क्लिष्ट मात्राओं के ठेकों का वर्तमान ताल जगत में कोई महत्व नहीं है अथवा है, इसको क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने कई कई विद्वानों से साक्षात्कार भी किया था। तो उसमें उस्ताद श्री नौशाद अहमद जी अजराड़ा घराना के तबला वादक हैं थे। आपका निवास स्थान दिल्ली है, आपके गुरु का नाम उस्ताद श्री रमजान खान है। आपके अनुसार बुजुर्गों की इस अनगिनत ठेके की देन को समाप्त नहीं करना चाहिए अपितु सुरक्षित रखना चाहिए, और यदि आपने कोई ठेका निर्मित किया है तो आपको अपनी इच्छा अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। आपको अच्छा लगे तो प्रयोग करें और ना लगे तो ना करें। उस्ताद श्री अकरम जी अजराड़ा घराना के कलाकार हैं, उनसे भी मेरी इस विषय पे चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि आज इन ठेकों का प्रचलन समाप्त हो गया है, किंतु यदि 16 मात्रा के अनगिनत ठेके हैं तो उनको भी बजाना चाहिए। जब तक वह प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे तब तक वह लुप्तावस्था में ही रहेंगे। यदि हम इनका प्रयोग करेंगे तो यह भी प्रचार में आ जाएंगे और प्रयोग बढ़ जाएगा। अतः बड़े गुरुजनों के द्वारा निर्मित ठेकों को समाप्त नहीं करना चाहिए। उस्ताद श्री शब्बीर अहमद खान साहब बरेली के अनुसार बड़ी बड़ी मात्राओं के ठेकों को प्रचार में लाया जाना चाहिए। यदि हम विलंबित करके ठेकों को संगति में बजाते हैं तो इसके स्थान पर हम उनका उक्त मात्रा का ठेका भी बजा सकते हैं। डॉक्टर ज्योत्सनामयी मुखर्जी प्रवक्ता गायन विभाग SRS कन्या महाविद्यालय बरेली ने कहा कि बड़ी बड़ी मात्राओं के ठेकों का प्रयोग संगीत हेतु उचित नहीं है, क्योंकि गति भेद दिखाने के लिए हमें तालों को विलंबित करना ही आवश्यक है। डॉक्टर कांता रोहन जी ने कहा कि जटिल तथा बड़ी तालों में मात्रा तथा खंडों की विषमता के कारण लय में कृत्रिमता या बनावटीपन आ जाता है। एकल तबला वादन में तो ठीक है, ध्यान ताल पर ही केंद्रित रहता है, परंतु गायन या वादन में संगत हेतु बड़ी तालें रस उत्पन्न करने में बाधक होंगी और हर बार मुखड़ा कहने के लिए एक लंबी बात कहना जरूरी होगा। प्रोफेसर सुधीर वर्मा जी के अनुसार बड़ी बड़ी मात्राओं के ठेकों को भी रखना चाहिए, जिन्हें हम शोधार्थी व स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाएंगे तथा बताएंगे कि ये प्राचीन ताल के हैं और ये वर्तमान की ताले हैं। उपयोगिता नष्ट नहीं होती, परिवेश के अनुसार अनुकूल होती चली जाती है।
अप्रचलित तालों का संरक्षण होना ही चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज के संगीत में इन्हें पुनर्स्थापित करना मूर्खता होगी, ऐसा उन्होंने कहा। श्री अरविंद चतुर्वेदी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बरेली कॉलेज बरेली के, उन्होंने कहा कि यदि हम विलंबित शब्द को रहने देना चाहते हो तो हमें इसके अर्थ के अनुसार उसे रहने देना होगा, क्योंकि उसका अर्थ लंबित करना है। जब हमारी गायन शैली विलंबित हो तो ताल का ठेका भी विलंबित होना चाहिए। इस बात को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे दो व्यक्ति एक साथ चल रहे हो, पहला व्यक्ति असाधारण रूप से लंबा हो और दूसरा व्यक्ति असाधारण रूप से छोटा, तो जब वह चलेंगे तो लंबा व्यक्ति एक पग चलेगा और दूसरा व्यक्ति को तीन और चार पग भरकर उसका साथ देना पड़ेगा। इस प्रकार वहां हास्य रस का माहौल बनेगा। इसलिए जिस प्रकार की गायन शैली हो उसी प्रकार ताल की लय शैली होनी चाहिए, ताकि सुनने वाले को उसमें कोई भी प्रकार की भेद मालूम ना हो। एक कलाकार एक मात्रा को कितना और खूबसूरती से विलंबित कर सकता है, तथा विलंबित शब्द का अपना ही आनंद, सुकून और चैन है, जिसे बरकरार रहना चाहिए। वरना विलंबित शब्द छोड़ने पर हम पश्चिमी तर्ज पर ठेका देना शुरू कर देंगे। वर्तमान में संगीत शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में घराना परंपरा का दायरा अत्यंत सीमित हो गया है, तथा विश्वविद्यालय स्तर पर यह लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पर इस पद्धति से शिक्षा देना समय अभाव के तथा विद्यार्थियों की अधिकता के कारण संभव नहीं है। अतः वर्तमान में तबला वादन की शिक्षा का प्रारूप वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ही ढालना होगा। इसके लिए विसंगतियों को दूर कर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का पुनः निर्धारण करना होगा। ठेके के संदर्भ में कुछ भ्रांतियां मेरे समक्ष आईं। कुछ ठेके ताल जगत में ऐसे भी हैं जो ताल सिद्धांतों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। जैसे मेरा मन था कि मैं रूपक ताल को जरूर पोर्ट करूं, क्योंकि रूपक ताल में हमारे तबला सिद्धांत में ये है कि पहली मात्रा पर कभी खाली नहीं होती है। तो मेरा ये विशेष रुचिकर इस पर मेरा ध्यान था और मैंने इस पर ध्यान भी दिया है कि रूपक ताल में ती ती ना ती ना ती ना पहली मात्रा पर खाली का विधान है, जबकि ताल सिद्धांत के अनुसार पहली मात्रा पर खाली वर्जित है। ताल रचना के सिद्धांतों पर दृष्टि रखकर यदि हम रूपक के स्वरूप पर विचार करेंगे तो हम पाते हैं कि ताल चक्रिक प्रक्रिया है। अतः यह भी संभव है कि इसी चक्रिक प्रक्रिया के कारण इसका ताल चक्र धीना धीना धी धी धीना धीना ती ती ना धी ना, क्योंकि ताल एक चक्र है। तो हो सकता है कि पुराने बुजुर्गों ने या किसी ने इसको ती ती ना से शुरू मान लिया गया, क्योंकि उसमें बिंदु तो है नहीं, ताल तो एक चक्र है, तो वहां से शुरू करके ती ती ना धी ना धी ना की जगह से अगर हम इसको ताल सिद्धांतों के अनुसार इसको अगर हम ढाले तो हम इसको ऐसे भी हो सकता है ऐसा ही हो कि धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती। तो ये ऐसा अगर हम मनीषी बैठे हैं और इस पर विचार करें तो ऐसा हो सकता है कि हम ताल रूपक की इस भ्रांति को या इसको हम एक सम्मत होकर के इसको सुधार सकते हैं, या जो भी हो, ये मेरा अपना मत है। ताल अंक में इसी इसी के समान ठेका दिया है जो निम्न है। धिन धा के तिन त्र धिन धा के तिन त्र। अतः मेरे मतानुसार रूपक ताल के प्रचलित स्वरूप में ताल रचना के सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन कर देना श्रेयस्कर होगा। ऐसा करने से ठेके का पुराना स्वरूप भी अक्षुण्ण रहेगा तथा यह ठेका ताल रचना के सिद्धांत के अनुरूप हो जाएगा। कारण प्रथम मात्रा पर ती वर्ण के साथ खाली का होना विसंगति है, इसे दूर करना चाहिए। कुछ लोग रूपक की पहली मात्रा ती पर सम होना भी बताते हैं, जो भ्रामक है। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, वहां पर जीरो, कोई सम, कोई कुछ भी लगाता है, क्योंकि ताल सिद्धांतों के अनुसार सम ताल के ठेके के जोरदार वर्ण तथा पहली मात्रा पर ही होता है। तो मेरा आप लोगों से ये विचार है कि हम इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम दीना दीना ती ती ना करके इसको लेकर के आए। इसके अतिरिक्त खाली ताल के ठेके की दूसरा एक और इसमें बिंदु है कि ताली खाली जो है वो आधी मात्रा के बाद में परिलक्षित होती है।
तो इसके अतिरिक्त खाली ताल के ठेके की मात्रा यदि दो से विभाजित हो जाए तो ठीक मध्य में या मध्य के आगे वाली मात्रा पर होना दर्शाती है। इस आधार पर रूपक में विषम मात्राएं सात होने पर इसमें खाली भी पांचवी मात्रा पर हो जाएगी। अतः इसका वर्तमान स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए जो ताल सिद्धांत की कसौटी पर खरा उतरता है। धीना धीना तीतीना जीना धीना। इसी प्रकार चौदह मात्रा की ताल धमार में काफी विसंगतियां हैं। कुछ विद्वान इसे संकीर्ण जाति की ताल कहते हैं तो जो उचित नहीं है, क्योंकि ठेके की कुल मात्राओं व मात्राओं के विभाजन दोनों के आधार पर इसे संकीर्ण जाति का माना तर्क सम्मत नहीं है। चौदह मात्रा की होने के कारण या तो इसे चतस्त्र जाति में रखना होगा अथवा मिश्र में। चतस्त्र में रखने के लिए उसको इस प्रकार किया जाना चाहिए, धे ट धे ट धा आ ग ति टे ति टे ता आ का धे ट। यदि इसको मिश्र जाति में रखना होगा तो इसके विभागों को चार तीन का करना होगा, यथा धे टे धा आ ग ति टे ता आ का। वर्तमान में प्रचलित धमार ताल का ठेका क धी टे धी टे धा आ ग ती टे ता आ ताल सिद्धांतों की कसौटी पर खरा नहीं होता था। ताल के सिद्धांतों के अनुरूप मैं जैसे पहले भी कह चुकी हूँ कि सम प्रथम स्थान मात्रा पर होता है तथा ऐसे बोलों पर होता है जो वजनदार हो। सभी खाली के ठेके ठीक मध्य में खाली होती है, ठीक पहले या बाद में होने का विधान दर्शाया गया है। सम के विधान को तथा खाली को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में प्रचलित ठेका उचित नहीं है, अतः उपरोक्त ठेका ही प्रचार में लाया जाना श्रेयस्कर होगा। ये मेरा अपना विचार है। इसी प्रकार बीए पाठ्यक्रम में कुछ तालों ऐसी भी हैं जिनमें खाली को नहीं दर्शाया गया जो ताल सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, जैसे तीव्रा ताल, शिखर ताल, गणेश ताल इत्यादि ताल। तो ये मेरा ठेके के विषय में ऐसा एक विचार था। इसके अतिरिक्त मैंने और भी ठेकों पर आगे मेरा विचार है कि संकलन करते समय कुछ ठेके ऐसे भी दृष्टिगोचर हुए जो नाम तो एक ही है पर उसकी मात्राएं भिन्न भिन्न है, जैसे मत ताल 9 और 18 मात्रा में भी प्राप्त हुई है, रुद्र ताल 11 में भी है, 15 में भी है, 16 में भी है, लघु शेखर है 5 में, 7 में, इंद्रलीन 11, 17, गजलीला 17, 18, गणेश 18, 20, 21, जयमंगल 13, 14, ऐसे करके अनेक कम से कम 29 ठेके ऐसे हैं जो मुझे प्राप्त हुए भिन्न भिन्न नामों से और मात्राओं से वो दिए गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विसंगति। आज विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों ही इस बड़ी दुविधा से गुजरते हैं कि कौन सा ठेका उचित है या किसे याद करें, किसे छोड़ें। उदाहरणार्थ रूपक ताल 5, 6, 7, 9, 11 रूपक में तो मैं इसलिए नहीं कह सकती, रूपक तो अब एक रूपता आ गई है, सभी लोग उसको सात मात्रा वाली ही मानते हैं। तो रूपक के विषय में नहीं है पर और तालों के विषय में ऐसा हो सकता है कि वो एक ही नाम से कई कई प्राप्त होती हैं। वर्तमान युग सरलता एवं सहजता का युग है। आज मनुष्य अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से बहुत कम समय अपने मनोरंजन हेतु निकाल पाता है। बहुत अधिक मात्राओं के लंबे ठेकों में निबद्ध संगीत में जिनको समझने तथा उसके आस्वादन करने में बहुत अधिक दिमागी श्रम करना पड़ेगा। वर्तमान में यदि हमारे विचार से इन बड़ी मात्राओं 19 से अधिक मात्राओं की मैं बात कर रही हूँ ठेकों की, के ठेकों का काम छोटी मात्राओं के ठेकों से हो सकता है तो बड़ी तालों के स्थान पर इन्हीं अप्रचलित ठेकों में से खूबसूरत चलन वाले ठेकों को प्रचार में लाया जाना श्रेयस्कर होगा। जैसे यदि 7, 14, 28 तीनों मात्राओं के ठेके उपलब्ध हैं, अब यदि 28 मात्रा का ख्याल गाया जाए तो उसकी संगति के लिए 7 व 14 मात्रा के ठेकों की पुनरावृत्ति करने में भी संगत की जा सकती है, क्योंकि ताल के ठेकों की एक आवृत्ति समाप्त होने में जितना समय लगेगा उतनी ही गायक के द्वारा कल्पना के प्रदर्शन की संभावनाएं कम हो जाएंगी और ताल के सहज प्रभाव तथा प्रभाव में व्यवधान आएगा। अतः इन ठेकों की समृद्ध परंपरा का ज्ञान कराने के लिए इन ठेकों को विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना तथा स्वतंत्र वादन परंपरा कायम रखना श्रेयस्कर होगा।
मतलब जो 19 से ज्यादा के अगर हमारे ठेके हैं तो हम उनको या तो जो ठेके प्रचलित हैं और उसी नंबर के और ठेके हैं तो हम उनको ठेके के प्रकार के रूप में भी बच्चों को बता सकते हैं, बजाय उनके कि हम उनको अलग अलग से नाम याद कराएं, तो उससे वो ठेके भी हमारे चलन में आ जाएंगे और जो सुंदर ठेके हैं वो हम जो लोकप्रिय ताल है उस ताल का नाम लेकर के और उसके प्रकार के रूप में उनको बता सकते हैं। और चूंकि अब प्रबंध गायकी भी नहीं है तो आज इतनी बड़ी तालों का कोई औचित्य मेरी नजर में नहीं रह जाता। इसके साथ ही अब मैं ताल ठेके के ऊपर जो मेरा विचार था उसको अपनी बात को वहां खत्म करते हुए मैं अब ताल के सिद्धांत में काल के ऊपर अपनी बात कहना चाहूंगी। काल हमारे आचार्य भरत जी ने उसको आचार्य भरत मुनि ने काल का अर्थ ताल के संदर्भ में असीम काल प्रमाण ना कहकर ताल रूप कालखंड कहा है, जिसकी गणना हेतु उन्होंने कुछ माप बताए हैं। जैसे 100 कमल पत्रों का भेदन करने में जितना समय लगता है उसे एक क्षण की संज्ञा दी। आचार्य शारंगदेव इसी मत से सहमत हैं, किंतु आचार्य भरत को ताल की गणना हेतु बहुत सूक्ष्म कालखंड उचित प्रतीत नहीं हुए, क्योंकि उनसे गणना का एक ही का ही प्रावधान था। अतः उन्होंने मार्गी तालों में काल की गणना हेतु लघु, गुरु, प्लुत अंगों का प्रयोग किया तथा लघु का कालमान 5 अक्षर काल माना। वर्तमान समय में मात्रा की इकाई के आधार पर तालों की गणना की जाती है। साधारणतः ये मात्रा काल एक लघु वर्ण के उच्चारण काल के बराबर माना जाता है। अरुण कुमार सेन का मत है कि हमारी तालों में प्रयुक्त मात्राओं के काल प्रमाण अवश्य ही निश्चित होने चाहिए। प्राचीन समय में मान्य काल मापन विधियों में जो उपयोगी हो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। आज जो विद्युत संचालित मेट्रोनोम भी काल मापन हेतु उपलब्ध है, जिसके आधार पर प्रत्येक ताल का परीक्षण कर निश्चित काल मापी का निर्धारण संभव है। श्री टी आर शुक्ल, ग्रीशचंद श्रीवास्तव जी, भगवत शरण शर्मा आदि लेखकों ने अपनी पुस्तकों में काल को निम्न रूप में लिखा है। जिस समय में वर्तमान में यही चल रहा है, जिस समय में गायन वादन तथा नृत्य की क्रिया संपन्न होती है वह पूरा समय काल कहलाता है। यहाँ काल का तो काल को तो माना है, किंतु काल की सूक्ष्मतम इकाई क्या है जिससे उसकी गणना संभव हो स्पष्ट नहीं है। विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं। आधुनिक काल के कुछ लेखकों ने अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु इत्यादि अंग तो माने हैं, परंतु इसके लिए कोई काल विशेष निर्धारित नहीं किया है। इसके साथ ही वर्तमान समय में गायन वादन तथा नृत्य अर्थात संगीत की कला में लगने वाले समय को काल कहा गया है। यह स्थूल रूप में काल को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है, किंतु आचार्य भरत के अनुसार काल ताल रूप कालखंड है, अर्थात ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक लगने वाले समय को आचार्य भरत ने काल कहा है, जिन्हें सशब्द व निशब्द क्रिया के द्वारा दर्शाया जाता है। उपरोक्त भ्रांति ताल जगत में इसलिए व्याप्त है क्योंकि यहाँ हमने भरत के सिद्धांत को के मर्म को नहीं समझा। वस्तुतः ताल का काल ताल की प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक होने वाली क्रियाओं में लगने वाला समय है, यही परिभाषा वर्तमान में होना चाहिए। इसके लिए देश के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों को बैठना होगा, मनीषियों को विचार करना होगा और तभी हम इसमें एकाकार ला सकते हैं, एक रूपता ला सकते हैं। वर्तमान ताल पद्धति के स्वरूप को अक्षुक्ष्म बनाए लेने के लिए परम आवश्यक है कि प्राचीन संगीत शास्त्रों का पर्याप्त अध्ययन किया जाए, फलस्वरूप अनुसंधान करके उनका वर्तमान संगीत में उपयोग किया जाए। वर्तमान ताल सिद्धांतों में काल के लक्ष्य लक्षण स्वरूप हेतु आचार्य भरत के सिद्धांत को मानना होगा, तभी ताल जगत में वैज्ञानिकता स्थापित की जा सकती है तथा एक रूपता स्थापित करने के लिए भावी पीढ़ी को उनके सिद्धांतों के आधार पर प्रशिक्षण देना होगा और संगीतकों को इसका पालन करना होगा। इसके बाद मैं काल की जो मेरी बात थी उसको समाप्त करके जिसने भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि भ्रांति है या उसमें एक रूपता आनी है तो उन्हीं बिंदुओं को मैंने उठाया है। तो
तो अब मैं क्रिया के ऊपर अपने विचार रखना चाहती हूँ। आज प्राचीन समय की सशब्द एवं निशब्द क्रियाओं का वर्णन तो किया जाता है, सशब्द के विषय में ज्यादा विसंगति नहीं है, पर निशब्द के विषय में मुझे लगता है ज्यादा विसंगति क्लियर नहीं है। सशब्द क्रिया दो प्रकार की कही जाती है, सबल और दुर्बल। सबल जिन मात्राओं पर ताली दी जाती है सबल मात्राएं कहलाती हैं, और दुर्बल जो मात्राएं साधारण कालमान के लिए प्रयुक्त होती हैं वे दुर्बल कहलाती हैं। गति परिवर्तन में इन सबल एवं दुर्बल मात्राओं का विशेष महत्व रहता है। जैसे तीन ताल में 16 मात्राएं हैं जिनमें 1, 5 और 13वीं मात्रा जोरदार एवं सबल मात्रा है और बाकी सब शेष मात्राएं दुर्बल हैं। वर्तमान उत्तर भारतीय जगत में खाली की क्रिया भी ताल का अंग बन रही है। खाली दीर्घ मात्रा काल की गणना हेतु प्रयोग की जाती रही है। वर्तमान में खाली दिखाने की परंपरा तो है किंतु उसका ताल में कोई महत्व नहीं रह गया। उदाहरणार्थ प्रत्येक ताल समय पर ही समाप्त की जाती है। संगीत की कोई रचना खाली पर समाप्त नहीं होती। अतः यह भी कहा जा सकता है कि आज ताल वादक का मुख्य धर्म सम दिखाना मात्र है। अतः स्थूल रूप में यदि मात्राओं का नियमन किया जाए तो सम ही सबल एवं शेष मात्राएं दुर्बल कहलाएंगे, किंतु सूक्ष्म रूप से देखने पर तथा ताल को एक विशिष्ट गति प्रदान करने हेतु ताल की कुछ अन्य मात्राएं भी सबल होती हैं, जिन्हें ताली खाली व उंगलियों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। भरत तथा शारंग देव दोनों ने ही ताल की 8 प्रकार की सशब्द व निशब्द क्रियाएं बताई हैं, किंतु इनका यह स्वरूप वर्तमान ताल में दृष्टिगोचर नहीं होता है। अब मेरे अनुसार क्या होना चाहिए? मेरे विचारानुसार उंगलियों के द्वारा गणना का क्रम सुनिश्चित होना चाहिए। इसका एक मेरे मन में एक विचार है कि जैसे जब हम उंगलियों का तीन ताल में जैसे हम प्रथम ताली के बाद उंगलियों की गणना करते हैं तो हम क्यों ना उसको कनिष्ठा से शुरू करें, जैसे धा धिन धिन धा, और फिर जब दूसरी ताली के बाद हम उसको अनामिका से शुरू करें धा धिन धिन धा, फिर धा तिन तिन ता और ता धिन धिन धा। तो ऐसा करने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब गायक या वादक उसको देखेगा या बच्चा लगाएगा तो हमको जो ताली के ठेके देने में ताल देने में जो एक दिक्कत होती है कि हमारा अंतिम विभाग कहाँ पर है, तो जब हम सन्निपात की क्रिया से इसको समाप्त करेंगे तो हमारे दिमाग में एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि अब प्रथम मात्रा आने वाली है और एक ताल का चक्र रूप समाप्त हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में एक याद करने की और उसको वैज्ञानिकता आ जाएगी, तो ऐसा मेरा सोचना है। इसके बाद मैं अब एक जाति पर आती हूँ। जाति के विषय में मुझे लगता है कि बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। जाति में हमारे चार प्रकार, वो इसमें दो मुख्य जातियां हैं चतस्त्र व तिस्त्र। कर्नाटक में तो ये आज भी फॉलो होती है। संगीत रत्नाकर में चतस्त्र एवं तिस्त्र जातियों के अतिरिक्त कुछ और जातियों का उल्लेख मिलता है। पंडित शारंगदेव ने संकीर्ण ताले युग्म एवं अयुग्म के पूर्वोक्त भेदों के परस्पर संयोग से निर्मित जातियों का वर्णन किया है। इनकी संख्याएं अनेक हो सकती हैं। प्राचीन समय में तालों की कुल मात्रा संख्या के विभाजन के आधार पर जाति सुनिश्चित की जाती थी। उदाहरण, यदि ताल की मात्राएं 3 से विभाजित होती हैं तो वो त्रिस्त्र, और 4 से विभाजित होती है तो चतस्त्र जाति की तालें होती हैं। आज हम तालों के ठेकों को एक, मैं प्रवीण जी थोड़ा सा एक उदाहरण दूंगी कि अभी कहीं पर मैं ऐसी चर्चा छिड़ी थी कि एक ताल को हम किस जाति में रखें, क्योंकि छंद के कुछ लोग कहते हैं कि छंद के अनुसार उसको हम त्रिस्त्र जाति में रख सकते हैं, क्योंकि दिन दिन दागे त्रिवृतूना ऐसे चलता है उसका छंद। अब जो हमारा अगर दो दो का विभाजन है तो उस हिसाब से अगर हम महसूस करें तो वो चतस्त्र जाति की ताले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम इस विसंगति को दूर करना चाहते हैं तो यही परिभाषा ज्यादा उपयुक्त होगी कि ताल की कुल मात्रा संख्या के विभाजन के आधार पर जाति सुनिश्चित की जाए। उसकी अगर 3 से विभाजित होती है तो तिस्त्र, और चतस्त्र 4 से विभाजित होती है तो चतस्त्र जाति कर दिए जाए तो ज्यादा उचित होगा। और अपवाद के रूप में हमारी जो अप्रचलित ताले हैं वो अपवाद में होंगी, तो हम उसके विषय में एक रूपता लाने की आवश्यकता इतनी नहीं है,
तो एक रूपता के लिए अगर हम जाति का बच्चों को बताएं तो ये मेरे विचार से ये उचित होगा कि हम चार से विभाजित होने वालों को चतस्थ और तीन से विभाजित होने वालों को तिस्थ जाति में कह सकते हैं। अब मैं कला के ऊपर आती हूँ। वर्तमान में ताल की गणना के लिए मात्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मात्रा द्वारा ताल की सूक्ष्मतम इकाई से लेकर अधिकतम इकाई की गणना की जाती है। आधुनिक काल में हम कला का प्रयोग प्राचीन अर्थों में तो नहीं कर सकते क्योंकि आज का संगीत प्राचीन संगीत से बिल्कुल भिन्न है। अतः हमें प्राचीन सिद्धांतों को वर्तमान के परिपेक्ष में ढालना होगा। आज ताल को हम ठेकों के माध्यम से लिखते हैं और इन्हीं ठेकों में ही वर्तमान में कला का प्रयोग हो रहा है। अतः मेरे मतानुसार ताल के ठेके में लगने वाले समय की गणना करने वाली सूक्ष्मतम इकाई को कला कह सकते हैं। वस्तुतः ताल के ठेके में प्रयुक्त मात्रा अथवा अक्षर ताल का वह सूक्ष्म अंश या भाग जिसके द्वारा ताल की क्रिया संपन्न की जा सके वह कला है। अब नेक्स्ट इसकी जो पायदान आता है वो लय। लय की परिभाषा में आज कोई भी मतांतर नहीं है, कोई अंतर नहीं आया है, परंतु क्रियात्मक दृष्टि से एक बहुत बड़ी विसंगति उत्पन्न हुई है और वो ये है कि आज संगीत में कोई भी प्रमाणिक लय नहीं है, जबकि पहले फिर भी इसकी गणना की जाती थी, लेकिन आज इसकी कोई प्रामाणिक लय नहीं है। प्राचीन काल में हर लय भेद के अक्षर काल नियम थे, जैसे मध्य लय में होने वाली क्रिया का काल 10 लघु अक्षर, विलंबित लय में 20 लघु अक्षर तथा द्रुत लय में 5 लघु अक्षर का लय नियत की गई थी। इसकी भी आधी लय के लिए लघु अक्षर का काल 2/1/2 अक्षर हो जाता था। प्राचीन काल में लय और विश्रांति काल का संबंध विलोमानुपाती था, अर्थात विश्रांति में बढ़ने पर लय की गति विलंबित हो जाती है। अगर विश्रांति गैप बढ़ेगा तो लय विलंबित होगी तथा विश्रांति कम होने पर लय की गति बढ़ जाती थी। लय की इसी धारणा का पालन प्राचीन काल में किया जाता था। प्राचीन समय में मूल लय से दोगुनी विश्रांति अर्थात मूल लय से धीमी लय दुगुण कहलाती थी, जबकि वर्तमान में मूल लय से आधी लय दुगुण कहलाती है। अतः प्राचीन समय के में समय दुगुना होता था और आज क्रिया दुगुनी हो जाती है। वस्तुतः हमें अपनी दुगुन की लय को इसी आधार पे, क्योंकि वहां पर हमारी क्रिया आधी हो जाती है, तो दुगुन की लय को अर्धगुन की लय कहना चाहिए। कारण यह है कि एक तरफ लय का स्वरूप क्रिया के अंतर होने वाली विश्रांति लय है यह माना जाता है, वही उसके द्रुत मध्याती भेदों के अर्थ भी हमने बदल दिए हैं। यह लय शब्द के प्रयोग में विश्रांति उत्पन्न करता है, इसका निदान अवश्य होना चाहिए। अतः वर्तमान में हमें प्रामाणिक लय मानना आवश्यक है, क्योंकि जब आचार्य भरत ने एक ही क्षण की गणना उस समय उपलब्ध साधन कमल की 100 पंखड़ियों को एक साथ सुई से भेदने से की, तो आज तो हमारे पास घड़ी है। वर्तमान में हमें मेट्रोनोम के आधार पर निश्चित कर लेना चाहिए कि कितने सेकंड या मिनट की मध्य लय होगी, उसी आधार पर उसकी दुगनी तेज द्रुत व दुगनी कम विलंबित लय हो सकती है। ऐसा मेरा लय के विषय में मानना है। और अब इसके बाद मैं लास्ट में प्रस्तार से आती हूँ। प्रस्तार का मेरा ऐसा मानना है कि आज प्रस्तार पूर्व अर्थों में बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं आ रहा है। प्राचीन में वर्तमान तक प्रस्तार के संदर्भ में अध्ययन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर मैं पहुंची हूँ कि वर्तमान उत्तर भारतीय ताल पद्धति में प्रस्तार का पूर्ण रूप उपलब्ध नहीं है। आज संगीत की विधाएं बिल्कुल भिन्न होने के कारण उस समय की तालें व उनके प्रस्तार का क्रम आज प्रयुक्त ही नहीं हो रहा। प्राचीन कालों में ताल को अंगों के माध्यम से लिखा जाता था, इन्हीं अंगों का प्रस्तार किया जाता था। शारंगदेव के अनुसार किसी विशेष अंग का प्रस्तार एक विशिष्ट क्रम से उस अंग को छोटे छोटे अवयवों में तब तक बांटा जाता था कि जब तक सबसे छोटा अंग द्रुत ना हो जाए। अणुद्रुत के सबसे छोटा अंग होने पर भी द्रुत तक ही क्रिया समाप्त हो जाती थी, क्योंकि ताल में द्रुत से छोटा अंग अणुद्रुत का प्रयोग नहीं होता है और इन्हीं अंगों के प्रस्तार से देशी तालों का निर्माण किया गया। वर्तमान में प्रस्तार तो किया जाता रहा है, किंतु उसके पूर्व रूप में कुछ परिवर्तन है। आज ताले अनगिनत हैं। आज पहले के समान ठेकों का प्रस्तार तो नहीं किया जाता, अपितु स्वतंत्र वादन में ठेके के विभिन्न प्रकार लग्गी लड़ी पेशकार कायदा रेला आदि रचनाओं में प्रस्तार का क्रम देखने को मिलता है।
पूर्व में ताली के अंगों को क्रमशः छोटे छोटे अंगों में बांटकर तालों में वैविध्य उत्पन्न किया जाता था। आज कायदा पेशकार भेला आदि के बोलों को विशिष्ट नियम के तहत उलट पुलट करके विविधता एवं चमत्कारपूर्ण कलात्मकता का प्रदर्शन किया जाता है। वर्तमान ताल जगत में प्रस्तार का प्रयोग इसी रूप में हो रहा है, अथवा मेरे मतानुसार आज प्रस्तार को ताल विषयक सामग्री का विस्तार के रूप में परिभाषित करना उचित होगा, ऐसा मेरा मानना है और यही मेरी सोच है। अब इसमें आप कहाँ तक मुझको सक्षम पाते हैं ये मैंने व्यक्त किया है। आगे मैं प्रवीण जी से कहूंगी कि वो मेरे व्याख्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी। प्रवीण जी, एक मेरा विचार और है मेरा लिपि को लेकर के। जी जी, कि जैसे हमारे मेरा ऐसा सोच है कि ताल लिपि हम लिखते हैं, बोलों का निकास की हमारे कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि बोलों के निकास में हम उसको दर्शा सकते हो। हालांकि विषय से हटी हुई बात है, पर चूंकि सभी मनीषी बैठे हैं और मेरा ऐसा मन था तो मैंने कहा अपनी बात रखूं। तो क्या हम कोई ऐसी लिपि जिसमें हम बोलों के निकास के नीचे कुछ ऐसे इंडिकेशंस बना लें कि बच्चों को, वैसे तो संगीत गुरुमुखी शिक्षा है, सीना बसीना ही सीखा जाता है निकास, लेकिन कुछ हद तक जैसे गायन में नीड है, गमक है, इनको हम दर्शा सकते हैं, तो क्या हम ताल के क्षेत्र में ऐसा नहीं कर सकते? ये मेरा एक विचार है, तो ये मैं आपके समक्ष रखती हूँ, आगे कभी इस पर बात करेंगे। जरूर जरूर। आज के व्याख्यान के संदर्भ में बहुत सारे मुद्दे वसुधा जी ने उठाए और मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे विषय के ऊपर अभी चर्चा यदि की जाए तो मुझे लगता है कि जो 12 दिन का जो मेरा व्याख्यान था वो ये 12 दिन का बल्कि उससे ज्यादा दिन की ये परिसंवाद की बातें हैं। जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल परिसंवाद के माध्यम से ही इसको बहुत सी बातों को, इसमें से बहुत सी बातें वसुधा जी स्पष्ट भी हो चुकी हैं। कई विचारकों के माध्यम से और कई पुस्तकों के माध्यम से, और इसमें से बहुत सी मुद्दे ऐसे भी हैं, जैसे आपने जो ठेके की बात कही तो वो एक परिसंवाद का विषय है और मोहरा मुखड़ा भी परिसंवाद का विषय है, क्योंकि मेरे इन सब बिंदुओं पे मेरे विचार एकदम, मेरे भी अपने विचार हैं और पंडित विजय शंकर जी बैठे हैं, ऐसे गुणी लोगों का तो बिल्कुल इसमें चिंतन है ही, गौरांग जी बैठे हैं उनका भी चिंतन है, तो इन सब मुद्दों पे सभी विद्वानों का अपना अपना चिंतन है और ये चिंतन में एक रूपता लाने के लिए इसके ऊपर परिसंवाद ही करना इसका एक फल हो सकता है। अभी मैं इसमें से कोई भी, इतना बड़ा विषय आपने छेड़ दिया है कि इसमें से मैं एक भी मुद्दे को यदि छेड़ दूंगा तो ये हमारा जो दूसरा विषय है उसको शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। जी जी जी, तो मुझे लगता है कि आपने एक ये चीज आपके व्याख्यान से जरूर निकल के आई, क्योंकि इसमें बहुत से युवा हमारे प्रोफेसर भी बैठे हैं और हमारे सीनियर मोस्ट विभागाध्यक्ष और हर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और देश के नेपाल से भी जुड़े हुए हैं पंडित अच्युतराम भंडारी जी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर परशुराम जी, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। तो हम सब लोगों ने ये बात आपकी सुनी और मुझे लगता है कि हम लोग जरूर इनमें से खास कुछ जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर एक परिसंवाद आयोजित करेंगे और उस परिसंवाद में हम पंडित सुरेश तलवलकर, डॉक्टर पुरु दादीश, पंडित विजय शंकर मिश्रा, पंडित मुकुंद भाले, पंडित केशव तलेगांवकर जी, पा चक्रवर्ती जी, मनोज मिश्रा जी, गौरांग भावसार जी, नीलू शर्मा जी, ऐसे अमित वर्मा, मीनू अनिता जी, ऐसे कई लोगों को आमंत्रित करेंगे और ये परिसंवाद जब खुल के इस पे विचार होगा तो मुझे लगता है कि हम एक एक मुद्दे के ऊपर ये होगा। तो मुझे लगता है आपने एक अच्छा से इसमें काफी जुड़े हुए नए नए उन लोगों को एक इसके ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए एक वो कर दिया कि वो चाहें तो इसमें से आर्टिकल लिखने के लिए एक मुद्दे बना सकते हैं और
रिसर्च के विषय भी इसमें से खोज सकते हैं। तो मैं वसुधा जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। हम लोग इसके ऊपर जल्दी ही परिसंवाद शुरू करेंगे, और जो ताल ठेके की जहाँ तक बात है, पंडित किशोर महाराज जी ने भी इसके ऊपर प्रयास किया था, और उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था, और उसमें पंडित सुरेश वेलकर जी और डॉक्टर गुरुदास जी और सबको बुलाया था, और प्रयास पहले भी हो चुके हैं। और ताल ठेके और छंद उसको लेके सब विद्वानों का थोड़ा सा अलग मत है, और जैसे मैंने आपकी बातचीत जो आपने जो अपने विचार है वो भी थोड़ा सा विद्यार्थियों को वो करता है, थोड़ा सा विचलित करता है मतलब उसके, और विचारों को के विचार भी थोड़े से अलग अलग हैं, तो इनके ऊपर जब तक परिसंवाद नहीं होंगे ये ज्वलंत ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर और मैं इसीलिए भी पंडित विजय शंकर जी मिश्रा जी को जरूर मैं इसमें बुलवाता, लेकिन मैं बिल्कुल इसके लिए मैंने क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं कि एक एक मुद्दे पे यदि बात करने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा समय जाएगा। तो हम जरूर इसके ऊपर परिसंवाद आयोजित करेंगे, और अभी हम सब विद्वानों से लास्ट में इसके ऊपर किस तरह से परिसंवाद हो सकते हैं, किन किन इसको किस तरह से वो किया जा सकता है, सबका हम जरूर विचार लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगले व्याख्यान के लिए हमारे अमित वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, और के समान उनको स्मृति स्वरूप उनके समान पत्र के लिए मैं पुनः हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। तो वाय और दो शब्द का स्वागत है। अनम्यूट कर दीजिए मैडम, साउंड नहीं आ रहा है एक बार। अमित वर्मा जी से मैं एक चीज अभी व्यक्तिगत रूप से बोलने चाहूंगी कि आज हम लोग तो परंपरागत शिक्षा को लेके चल रहे हैं, आपसे मैं चाहूंगी कि इस समय नवीनीकरण एक तरह से हो रहा है, एक तरह से नई दौर की शुरुआत, नई चीजें सब सामने आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो आज अब वर्तमान जो समय इस समय चल रहा है तो उसके लिए कुछ हमारे विद्यार्थियों को नवीन बातें जरूर बताइएगा जिससे उनका बहुत लाभ हो आगे। तो मैं इसके साथ ही मैं समय नहीं बर्बाद करूंगी, मैं बहुत जल्दी से अपनी वाद्य विभाग की तरफ से मैं बहुत सम्मान आपको करती हूँ और इस सम्मान पत्र को पढ़ रही वाचन कर रही हूँ। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय DHU द्वारा 28 जून से 8 जुलाई 2020 तक आयोजित लय ताल प्रज्ञा प्रवाह व्याख्यान माला में डॉक्टर अमित वर्मा जी अपने उत्कृष्ट ज्ञान व वक्तव्य से संगीत जिज्ञासियों को अभिशंसित करें। वाद्य विभाग आपके इस अमूल्य योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है व आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ और बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि आप आज जरूर कुछ विशेष होगा आपकी वाणी से। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद मैडम। मैं बताऊं कि अमित वर्मा युवा चिंतक हैं और इनका संगीत गैलेक्सी के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान है संगीत जगत को। आप प्रोफेसर सुधीर कुमार वर्मा जी और शिष्य हैं और काफी कार्यक्रमों में आप भाग ले चुके हैं। आपने सामापा संगीत सम्मेलन दिल्ली, सप्तक संगीत समारोह सुरसंगार संसद मुंबई, ऐसे कई देश के प्रतिष्ठित समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है। आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 2020 का जो अवार्ड है वो आपको प्राप्त है। लाल तालमणि 2004 में आपको मिला था, तबलाश्री आपको 2008 में मिला था। इस प्रकार कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं, और आपकी पुस्तकें हैं जिसपे आपने दो तीन पुस्तकें लिखी है जो महत्वपूर्ण है, अंतर्मन का संगीत, मन के मीत,
और आप संगीत गैलेक्सी के लिए संपादन का कार्य करते हैं और NCERT में भी आपका सक्रिय योगदान है उसकी पाठ्यक्रम की भूमिका में। तो अमित वर्मा जी युवा विचारक हैं और उन वो तबले के विभिन्न विषयों पे अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और आज का जो उनका विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आजकल हम पाठ्यक्रम में देखते हैं, हमारे BHU में भी है और मैं देखता हूँ कि और भी विश्वविद्यालय जैसे खैरागढ़ विश्वविद्यालय में इस तरह के पुस्तकों की समीक्षा लिखने के लिए आती है और वो जरूरी होता है क्योंकि विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने की आदत लगे। नहीं तो क्या होता है कि नोट्स पढ़ के और कई विद्यार्थी परीक्षा दे देके और उनको पुस्तक के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। तो किसी एक एक विषय के बारे में, किसी एक सब्जेक्ट के बारे में 3-4 पुस्तकों का जब वो अध्ययन करते हैं तो आज जैसे वसुधा जी का जो हुआ वो उसका भी एक ये हल भी है इसमें से, क्योंकि कई बार एक ही पुस्तक को पढ़ के और उसमें जो मत होता है उसके विद्यार्थी उसी को मान लेता है। तो इस तरह से यदि समीक्षात्मक पुस्तकों की समीक्षा का पाठ्यक्रम में हम रखेंगे, जैसे हमने BHU में रखा है कि कई पुस्तकों के नाम दिए, शुक्ला जी का है और आभान मिश्र जी का है, अरुण कुमार सेन जी का है, ऐसी और भी पुस्तकें हम धीरे धीरे इसमें शामिल करते जा रहे हैं। तो इन पुस्तकों की समीक्षा के का यदि हम पाठ्यक्रम में रखते हैं तो ये पुस्तक पढ़ने की एक आदत हो जाएगी रिसर्च करने से पहले। तो पुस्तकों की समीक्षा और उसके साथ ही जो लेखन होता है, जो आर्टिकल लिखा जाता है उसका क्या सिस्टम होना चाहिए, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज अमित जी अपने विचार देंगे। तो मैं उनको स्वागत करता हूँ, उनको आमंत्रित करता हूँ, वे अपने विचार प्रारंभ करें। नमस्कार। BHU के संगीत संकाय के डीन सर प्रोफेसर राजेश शाह जी, विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी, इस व्याख्यान माला के संयोजक प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी, इस व्याख्यान माला के सभी अतिथि विद्वान वक्ता और जो श्रोता ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा सादर नमस्कार, सादर अभिनंदन। आज गुरु पूर्णिमा है, इस हिसाब से मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आज इस गुरु मंडल के सामने मुझे इस व्याख्यान माला में बोलने का अवसर प्रवीण उद्धव जी ने प्रदान किया है। इस व्याख्यान माला में सभी जितने भी विद्वान हैं, सभी मुझसे ज्येष्ठ हैं, सभी मुझसे श्रेष्ठ हैं, आप सभी में मैं सबसे छोटा हूं। इस लिहाज से मेरे वक्तव्य में यदि कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर ऑनलाइन हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पंडित विजय शंकर मिश्र जी, गुरु जी ने तो मेरा निपुण की परीक्षा ली थी और वसुधा दीदी जिनका भी वक्तव्य हुआ था, जो भी बोली थी, ये मेरी PhD का वाइवा दीदी ने लिया था। उसके अलावा गौरांग सर है, उनकी लिखी हुई किताब अवनद्यवाद, उसको पढ़ करके काफी ज्ञान प्राप्त हुआ और हम अपने विद्यार्थियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, मास्टर्स और PhD लेवल पर हमेशा उनको रिकमेंड करते हैं। और जितने भी हमारे साथ विद्वान जुड़े हुए हैं, जो हमारे वेणु वनिता दीदी हैं और नीलू दीदी, मनोज कुमार शर्मा सर हैं और जितने भी विद्वान हैं, सभी को मैं सादर अभिनंदन करता हूं और आपसे आज्ञा चाहूंगा कि मैं आज जो मेरा वक्तव्य है, जिसके लिए मुझे प्रवीण भैया जी ने मुझे आदेश दिया है कि जो तबला विषय के पाठ्यक्रम हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में, उसमें मास्टर्स यानी कि MA लेवल पर, MPhil और PhD लेवल पर पुस्तकों की समीक्षा करने का प्रावधान है। मास्टर्स में कहीं कहीं दिया है लेकिन MPhil में बुक रिव्यू लिखना एक उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, आपको बुक रिव्यू लिखना ही होता है। उसके अलावा PhD लेवल पर जब आप जाते हैं तो बहुत सारी किताबों की समीक्षा आपको लिखनी होती है, पढ़नी होती है, उससे आपको मत करके, उसके मंथन करके उससे ज्ञान को निकालना होता है और उसको आगे यूटिलाइज करना होता है। तो जहाँ जहाँ विश्वविद्यालयों में सारे हमारे गुरु लोग बैठे हैं, जो सुपरवाइजर रिसर्च सुपरवाइजर का काम करते हैं, तो अब वो विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि किस तरह बुक को रिव्यू या आर्टिकल को रिव्यू करना है।
लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जिनको मार्गदर्शन ठीक से नहीं मिल पाता है, उनके आगे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हम सिलेबस के अनुसार विद्यार्थी से कह दिया जाता है कि आप बुक रिव्यू लिखिए, लेकिन विद्यार्थी को वो टेक्निक नहीं बताई जाती है या उनको नहीं मालूम होती है कि किस तरीके से बुक रिव्यू को शुरू करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप, व्हाट इज द प्रोसेस टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। अगर ये टेक्निक स्टेप बाय स्टेप हम अगर स्टूडेंट को बता दें तो उनके लिए किसी बुक के रिव्यू को करना या किसी किताब को पढ़ना, आपको जब रिव्यू करने की टेक्निक मालूम हो जाएगी तो आप किसी भी किताब को पढ़ने का आपका नजरिया बदल जाएगा, आप उसको एक टेक्निक के माध्यम से किताब को पढ़ना शुरू कर देंगे। संगीत में हमारे विद्यार्थियों को पढ़ने की आदत थोड़ी कम होती है, भगवान जाने क्यों, मुझे नहीं पता, मेरे भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो लाइब्रेरी जाना ही नहीं चाहते, लेकिन जब वो शोध में आ जाते हैं तब पता चलता है कि उनको बुक रिव्यू करना है, पढ़ना है, एक नहीं बहुत सारी किताबें पढ़नी है, तो उनको बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग इसी से ऊब करके शोध छोड़ भी देते हैं। तो अगर हम मास्टर्स लेवल पे, जिस तरह से प्रवीण जी ने बताया कि BHU में बुक रिव्यू करने का एक उसमें एक व्यवस्था है, तो अगर हम मास्टर्स लेवल पे बुक को कैसे पढ़ें, किताबों को कैसे पढ़ें, क्योंकि शास्त्रीय संगीत है, शास्त्र आपको पढ़ना ही है, आप शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रयोग उतना मजबूत नहीं हो पाएगा, आप उसकी शास्त्रीय व्याख्या नहीं कर पाएंगे, शास्त्रीय शास्त्र सम्मत व्याख्या नहीं कर पाएंगे, तो शास्त्र तो पढ़ने पड़ेंगे। शास्त्र प्रयोग की रक्षा करने के लिए होते हैं, प्रयोग से अलग इतर हट करके कोई चीज नहीं है। तो आज जो मेरा विषय है वो है कि लेखों का जो शोध लेख है जो छपे हैं उनकी समीक्षा कैसे करें, उनको समीक्षा की टेक्निक क्या है, उसका क्या स्वरूप है, तो उसी पर मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूंगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको इससे जरूर लाभ होगा। सर मैं इजाजत चाहूंगा और मुझको एक बार ये होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेशन स्क्रीन शेयर जी, थैंक यू। क्या मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी जी। तो मैं शुरू करता हूँ। विषय पुस्तकों या लेखों की समीक्षा, उसका उसकी तकनीक और उसका स्वरूप, इस मुद्दे पर मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा और उम्मीद है कि जो शोध विद्यार्थी या मास्टर्स में जो विद्यार्थी हैं MA लेवल पर या MPhil कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं उनको इससे जरूर लाभ प्राप्त होगा। इस वक्तव्य के जो मुख्य बिंदु हैं उनको अभी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि हम यहाँ से शुरू करेंगे कि समीक्षा क्या है, शास्त्रों में समीक्षा की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि बुक रिव्यू या समीक्षा करने से पहले संक्षेप में जान लेना जरूरी है, तब हम उसको मजबूती से समझ पाएंगे। समीक्षा लेखन की तकनीकी, समीक्षा लेखन का तकनीकी पक्ष और उसका स्वरूप क्या है, तबले के लेख की एक समीक्षा, उसका उदाहरण स्वरूप मैं आपके सामने शेयर करूंगा स्क्रीन पर ही, और एक पुस्तक की समीक्षा तबले की पुस्तक की समीक्षा के स्वरूप को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो बात यहां से शुरू करते हैं कि समीक्षा है क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समीक्षा का स्थान सृजन के बाद आता है, सृजन पहले है और समीक्षा बाद में, सर्जक पहले है समीक्षक बाद में, पहले किसी रचना का सृजन होता है उसके बाद उसकी समीक्षा की बारी आती है, तो समीक्षा या समीक्षक हमेशा बाद में आता है। समीक्षा का दायरा बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। समीक्षा किसी भी संदर्भ में किसी भी विषय, वस्तु, स्थिति, घटना, नियम, कारण, प्रदर्शन आदि किसी भी चीज की हो सकती है। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि समीक्षा एक मानविक वृत्ति है, इट इज ए ह्यूमन टेंडेंसी। हम कुछ भी, हम व्यवहारिक डोमेस्टिक एग्जाम्पल दे करके बताएं, अगर हम कोई भी सामान बाजार से जाके खरीदते हैं, कोई वैल्यूबल सामान, तो हम एक बार रिव्यू जरूर कर लेते हैं कि इस दुकान पर क्या मिल रहा है, कितनी कॉस्ट में मिल रहा है, दूसरी दुकान कितने पैसे में ले रहा है, हम एक बार तुलना जरूर करते हैं, हम समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं चीजों को, उसके बाद हम लेते हैं। हम सामान्य जीवन में भी लगातार समीक्षा कर मतलब जाने अनजाने समीक्षा करते हैं। जैसे मूवी आती है, कोई फिल्म आती है, तो फिल्म आने के बाद उसकी रिव्यू की जाती है, तो रिव्यू एक्सपर्ट होते हैं वो फिल्म का रिव्यू करते हैं और उसकी रेटिंग देते हैं,
वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार, साढ़े तीन स्टार, चार स्टार, ऐसे करके रेटिंग आती है। तो ये जो होता है अखबारों में देखिए समीक्षा, उसमें भी किसी भी मूवी की होती है, किसी फिल्म की, वो भी प्रकाशित होती है किताबों में या जो मैगजीन्स हैं उसमें भी किसी भी फिल्म की समीक्षा प्रकाशित होती है। समीक्षा वो मामला है, वो घटना है या वो बिंदु है जिससे हमें उस पूरी फिल्म के बारे में बोध होता है कि इस फिल्म में क्या कहा गया है, उसके डायलॉग अच्छे हैं, फिल्म बोरिंग है, म्यूजिक अच्छा है, क्या है, कहानी बेकार है या अच्छी है, वो रेटिंग को देख करके हम डिसाइड करते हैं कि हम मूवी देखने जाएं कि ना जाएं। तो समीक्षा का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। संगीत के संदर्भ में भी हम बात करेंगे, समीक्षा ही वो कसौटी है जिससे किसी रचना की परख, परिभाषा और स्वरूप का सही निर्धारण होता है। ठीक है, हम उसको परिभाषित कर पाते हैं, उसको परखते हैं, उसके स्वरूप का सही तरीके से ज्ञान अर्जित करते हैं। समीक्षा किसी भी रचना के अंतर्मुख और बहिर्मुख का प्रकाशन करती है, ये सूत्रात्मक बात मैंने कही। संगीत के संबंध में बात करें तो समीक्षा संगीत में लगातार किसी न किसी रूप में चलने वाली अंतर्निहित प्रक्रिया है जो सांगीतिक परंपराओं और उनमें होने वाले प्रयोगों, प्रस्तुतियों, चिंतन आदि को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। हम किसी भी कार्यक्रम को, संगीत का कोई कार्यक्रम होता है, कोई प्रस्तुति होती है, उसको देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं, फिर हम जाने अनजाने उसकी समीक्षा भी करते हैं, भले ही अनजाने में करें लेकिन करते जरूर हैं, या जान के करें समीक्षा करते हैं कि ये चीज़ अच्छी रही आज, ऐसा तबला बजा, टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी थी, या साउंड का इफेक्ट अच्छा था, या जो कंपोजिशन बजाई गई बड़ी ट्रेडिशनल थी, या उसका जो भी होता है, हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से जितनी उसकी समझ है उसके आधार पर उसकी व्याख्या करता है। कोई भी परफॉर्मेंस होता है तो उस परफॉर्मेंस को विद्यार्थी अपने नजरिए से उसकी समीक्षा करता है, और एक जो गुरु है, जो बहुत जानकार है, जिसका बड़ा गहरा अनुभव है, वो अपने नजरिए से उसकी व्याख्या करता है, उसकी समीक्षा करता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से समीक्षा कर रहा है, दोनों की समीक्षाओं में अंतर है, क्योंकि एक परिपक्व समीक्षा होती है और एक हल्की फुल्की होती है जो विद्यार्थी करता है, क्योंकि उसका अनुभव इतना अधिक नहीं है, लेकिन समीक्षा हर कोई करता है। शास्त्रों में प्रक्रिया थी, भरत गुप्त जी का एक वर्कशॉप की थी, वो नाट्यशास्त्र के बड़े जानकार व्यक्ति हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर हैं, नाट्यशास्त्र के बहुत जानकार हैं, मैंने उनकी वर्कशॉप की थी। तो उन्होंने हमें वर्कशॉप में, मैंने उनसे सुना था कि प्राचीन काल में विद्या के संरक्षण व उसके प्रयोग के लिए शास्त्र का निर्माण होता था, जैसे कि आज भी हो रहा है। शास्त्र का कार्य होता है जो हमारी विद्या है उसको संरक्षित करना, ताकि वो आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित हो सके और उसमें विकृति ना आ सके, उसको शुद्ध रूप में आने वाली पीढ़ी में उसको देना। विद्या के चिंतन मंथन के बाद उसका लेखन होता था, क्योंकि पहले प्रयोग होते थे, प्रयोग जब परिपक्व हो जाते थे, उनके परिणाम स्थिर हो जाते थे चिंतन मंथन के बाद, तो उसके बाद उसका लेखन होता था, शास्त्र को स्थिर करते थे, उस प्रयोग को स्थिरता देते थे। इस प्रकार शास्त्रों का विस्तार होता रहता था, इस प्रक्रिया को व्यास कहते थे। व्यास अत्यधिक हो जाने पर उसके निरर्थक भाग को हटा देते थे, जो समास कहलाता था। निरर्थक भाग को हटाने से पहले उसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता के आधार पर उसकी संतुलित समीक्षा होती थी, क्योंकि व्यास जब किसी शास्त्र का बहुत अधिक हो जाता था, क्योंकि समय बदलता है, समाज बदलता है, सिद्धांत भी विषय से जुड़े हुए बदल जाते हैं, क्योंकि नए नए प्रयोग सामने आते रहते हैं, तो जो पुराने प्रयोग हैं वो अप्रासंगिक हो जाते हैं, तो इसलिए उनको काट कर हटा देते हैं, उसी को समास कहते हैं। तो निरर्थक भाग को हटाने से पहले उसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता के आधार पर उसकी संतुलित समीक्षा हुआ करती थी, और यह स्वाभाविक प्रक्रिया थी जो शास्त्र लेखन में सैकड़ों वर्षों तक चलती रही। शास्त्रों की उपयोगिता उनके प्रयोग में होती है, चाहे कोई भी शास्त्र हो। नाट्य शास्त्र शब्द है नाट्य शास्त्र, लेकिन उसकी उपयोगिता उसके प्रयोग में है। हमारे भरत जी ने बताया था कि जितने भी प्राचीन शास्त्र लिखे गए उनकी उपयोगिता उनके उपयोग में है। यदि किसी शास्त्र की उपयोगिता ना हो तो उसकी प्रयोगी प्रासंगिकता ना हो तो फिर वो किसी काम का नहीं हो। जैसे कि आयुर्वेद, ये प्रैक्टिकल है, इस शास्त्र की उपयोगिता का जो प्रासंगिकता है उसकी उपयोगिता में है। नाट्य शास्त्र हो, आयुर्वेद हो, शास्त्र कोई भी हो। हम तबले में तबलावाद की उत्पत्ति या तो समाज की क्या जो था कि कवच को, तबले को
शुरुआत में इस बात पर चर्चा होती थी कि तबले का विकास पखावज को काट करके हुई कहानियों के माध्यम से ये कहानियों में मिलती थी और हम इसको बताते थे। बाद में अमीर खुसरो की थ्योरी आई, इसके अलावा और भी बहुत सारे वाद्यों से तबला वाद्य के विकास की बात कही गई। फिर अमीर खुसरो आ गया 13वीं शताब्दी से, कि तेरहवीं शताब्दी के जो अमीर खुसरो थे उनसे बताया गया कि तबला का विकास हुआ, उन्होंने किया है। बाद में फिर अवानी मिस्त्री जी का शोध कार्य या योग माया जी का शोध कार्य आया जिसमें उन्होंने बताया, त्रिपुष्करवाद से उसको जोड़ करके एक सुनिश्चित थ्योरी दी जिसको आज हम सभी लोग मानते हैं। तो तबला वाद्य की उत्पत्ति और विकास को भी हम व्यास और समाज की प्रक्रिया के अंतर्गत समझते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जो चीज निरर्थक हो गई उनको पुरातात्विक दृष्टि से हमने संजो के रख दिया यह बताने के लिए कि भाई ये पहले थ्योरी थी फिर बाद में ये थ्योरी आई। इस तरह सिद्धांतों का विकास होता गया और पुरानी चीजें खंडन हुआ और फिर मंडन हुआ। शास्त्र खंडन और मंडन प्रक्रिया पर चलते हैं, पुरानी चीजों का खंडन होता है, नई चीजों का मंडन होता है। तो तबले की उत्पत्ति और विकास का भी खंडन और मंडन हुआ और आज जो थ्योरी है वो आप सबके सामने है। त्रिपुष्करवाद से तबले के विकास को हम जोड़ते हैं, ये मंडित की हुई थ्योरी है जिसको आज हम लेकर के चलते हैं। आगे चलते हैं समीक्षा की तकनीक पर। विद्यार्थियों को मैं बताऊंगा कि ये जो पावर पॉइंट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ रहा है आप अपनी सुविधा के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, क्योंकि उसके बाद फिर आप हो सकता है भूल जाए या लिखते चलिए। किसी भी पुस्तक या लेख की समीक्षा में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप समीक्षा करने के लिए जाएं। अमूमन क्या होता है, विद्यार्थी को समीक्षा करने के लिए कहा जाता है कि आप इस लेख की या इस पुस्तक की समीक्षा करें और उसको टेक्निक नहीं मालूम होती कि किन किन बिंदुओं से होकर या किस क्रमिक तौर पर हम इसकी समीक्षा करें, तो वो बड़ा कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पर हमने इसको सरलीकरण किया है ताकि, और सारे बिंदुओं को एक क्रम से दिया है ताकि आप उस क्रम से अगर चलते चले जाएंगे तो आपके लिए समीक्षा बहुत आसान हो जाएगी, किताब की समीक्षा लिखना और किताब को पढ़ने के नजरिए को बनाना भी दोनों। तो किसी भी पुस्तक या लेख की समीक्षा से पहले आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि पुस्तक या लेख का मूल विषय क्या है, पुस्तक या लेख का मूल विषय क्या है, किस विषय पर लेख लिखा गया है या पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद आता है लेखक का दृष्टिकोण या उसका नजरिया। किसी भी चीज की व्याख्या या किसी भी मुद्दे का विस्तार, किसी भी बिंदु का विस्तार लेखक अपने दृष्टिकोण से जो उसने शोध किया है उसके आधार पर वो उस मामले का विस्तार करता है। जैसे कायदा है, कायदे पर अगर हम कह दें कि भाई कायदे पर अगर हम चार लोगों से कहें, चार विद्वानों से, कि आप चार कायदे पर लेख लिख करके दीजिए, तो कायदा तो एक ही बिंदु है लेकिन इसको अलग अलग नजरिए से, अलग अलग दृष्टिकोण से लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो आपको, किसी भी विद्यार्थी को ये देखना जरूरी है कि लेखक ने किस दृष्टिकोण से, किस नजरिए से उस मुद्दे की व्याख्या की है, उस बिंदु की व्याख्या की, उस विषय वस्तु की व्याख्या की है। अगला बिंदु है कि पुस्तक या लेख में विषय वस्तु की अवधारणा की व्याख्या किस प्रकार की गई है। ये वही बात है जिसकी अभी हमने बात की, क्योंकि अवधारणाएं अलग अलग हो सकती हैं विद्वानों की। कोई भी एक चीज है उसको हम अलग अलग नजरिए से देखते हैं, अलग अलग तरीके से उसका व्यवहार, उसके व्यवहार में प्रयोग करते हैं। हमारी जो शाब्दिक अलग अलग परिभाषाएं हैं या जो बंदिशें हैं उनको बरतने के जो तरीके हैं, उन सब के बारे में, तो उसकी किस अवधारणा से लेखक ने उसका विस्तार किया है, किस तरीके से उसकी व्याख्या की है, इसको भी देखना चाहिए। अगला बिंदु है पुस्तक या लेख में मूल विषय की परिधि में किन किन बिंदुओं को समाहित किया गया है और किन किन बिंदुओं को समाहित नहीं किया गया है, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि कोई भी पुस्तक है उसकी अपनी एक परिधि होती है, उसकी अपनी एक सीमा होती है। अनंत विस्तार किसी पुस्तक का नहीं हो सकता। कोई भी पुस्तक हो उसकी अपनी एक परिधि होती है, उस परिधि में, वो गहराई में उस विषय वस्तु को लेखक लेकर के जाता है। जैसे कि गत, एक शब्द है गत, तबले में नहीं संगीत में गत की बात करें तो अगर गत पे किसी ने एक किताब लिखी है तो आपको ये देखना है कि गत क्या है। गत तो तबले में भी है, सितार में भी है और कथक में भी है, ठीक है। तो लेखक ने गत की व्याख्या क्या कथक के संदर्भ में की है, सितार के संदर्भ में है या तबले के संदर्भ में है। अगर तबले के संदर्भ में है तो गते अलग अलग हरमों की अलग अलग गते हैं, तो और किन किस तरीके से किन किन बिंदुओं को उसने समाहित किया और किन किन बिंदुओं को छोड़ दिया है, ये चीज आपको देखना जरूरी है। उसके बाद आता है पुस्तक की लेखन शैली अथवा भाषा का सौंदर्य। भाषा ही वो माध्यम है जिससे हम
चीजों को समझते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। तो हर लेखक की अपनी एक लेखन शैली होती है। यदि किसी लेखक को आप बहुत समय तक की लगातार पढ़ते रहें तो आप किसी लेख में अगर लेखक का नाम भी नहीं है तो उस लेख को पढ़ करके आप बता देंगे कि ये लेखन शैली अमुक लेखक की है। जैसे पंडित विजय शंकर मिश्र जी की लेखन शैली अपने तरीके की अलग है। मैं किसी भी अगर कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ तो मैं उनके लेख को पढ़ करके आइडेंटिफाई कर लूंगा कि ये लेख या जो शैली लेखन शैली है ये पंडित विजय शंकर मिश्र जी की है, क्योंकि तो इनके शब्दों का गठन, शब्दों का जो वाक्य विन्यास है उसको मैं हम बचपन से नहीं, मैं पूरे विद्यार्थी जीवन से पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं उनको देख करके समझ जाता हूँ कि ये विजय शंकर गुरु जी की शैली है। इसी तरह और भी दूसरे लोगों की जो शैली है उसको आप पढ़ करके समझ लेंगे, लेकिन ये तभी बोध आएगा जब आप लगातार किसी लेखक को पढ़ेंगे, एक या दो लेख पढ़ने से नहीं आता है। तो लेखन जो शैली है, जो भाषा का सौंदर्य है, उसको भी रेखांकित करना जरूरी है किसी भी लेखक की। उसके बाद का बिंदु आता है पुस्तक में दी गई सूचनाओं की प्रामाणिकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब मैं तबले की संस्था के शिक्षा पर शोध कर रहा था तो एक अध्याय था मेरा तबले की पुस्तकों के प्रकाशन के ऊपर। मेरा एक अध्याय था, एक चैप्टर था। तो मैंने स्वतंत्रता से पूर्व तबले में जितनी भी किताबें प्रकाशित हुई और स्वतंत्रता के बाद करीब करीब 2007-08 या 2009 तक की जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं सबको संकलित करके सबकी समीक्षा लिखी थी। तो जब मैंने समीक्षा लिखी तो मैंने इस बात को पाया कि बहुत सारे लेखक हैं जिसमें बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी गलत सूचनाओं को दिया गया है। जैसे कि मैं एक बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि तबले पर दिल्ली और पूरब पुस्तक जो है, जो सत्यनारायण वशिष्ठ जी की लिखी है, उसमें शांता प्रसाद जी और करामत उल्ला साहब को दिल्ली बाज का वादक बता करके उनकी जीवनी दी गई है। तो ये एक जानती है कि शांता प्रसाद जी बनारस के हैं और करामत उल्ला साहब जो है उस्ताद करामत उल्ला साहब वो फर्रुखाबाद घराने के, लेकिन इनकी जो जीवनी थी वो बनारस घराने के तबला वादकों के अंतर्गत दी गई थी। तो इस तरह की जो सूचनाएं हैं जो संदिग्ध लगती हैं या गलत हैं उनको रेखांकित करते चलना चाहिए, ठीक है। ये समीक्षा करते समय इन बातों का ध्यान रखिए। अगला बिंदु है लेखक की पृष्ठभूमि, उसकी रुचि, शिक्षा या तालीम, भौगोलिक या सामाजिक परिवेश। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लेखक कोई भी हो वो अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होता है, उसका उसकी अपनी रुचि होती है, उसकी अपनी तालीम है, उसका भौगोलिक परिवेश और सामाजिक परिवेश है जो उसके लेखन में या उसकी पुस्तक में या उसके लेख में प्रतिबिंबित होती है। बस उसको देखने के लिए आपकी नजर चाहिए। जैसे आपकी नजर पैदा होगी आप उन सारी चीजों को कोरिलेट करने लगेंगे। इस संबंध में एक एग्जाम्पल दूंगा इसी चीज को जोड़ते हुए कि छोटे लाल गुरु जी की ने कई सारी किताबें लिखी, उसमें से एक किताब उन्होंने था, पुस्तक का मुझे एग्जैक्ट टाइटल याद नहीं आ रहा है, तबला ग्रंथ मजूषा या तबला ग्रंथ करके ऐसा टाइटल था, तभी याद नहीं आ रहा है, जिसमें उन्होंने अलग अलग घरानों की बंदिशों का संकलन दिया है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारे घरानों की जो उसमें बंदिशें दी हैं बहुत अच्छी बंदिशें हैं, पढ़ने से लगता है कि बहुत परंपरागत ट्रेडिशनल है, कोई बनावटीपन में नहीं है, जो भी है वो शुद्ध रूप में उन्होंने एक पुस्तक के माध्यम से सब दे दिया है। मैं जो मैंने समझा मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि उस किताब को जब आप पढ़ेंगे या मैंने पढ़ा तो उसमें दिल्ली घराने की बंदिशें भी दी हैं, अजराड़े की भी बंदिशें हैं, फर्रुखाबाद लखनऊ की भी हैं, पंजाब की भी हैं, बनारस की भी हैं, लेकिन जो बंदिशें बनारस की दी हैं उनका अनुपात अन्य घरानों की बंदिशों के अनुपात में कहीं अधिक है। बनारस की बंदिशें ज्यादा दी हैं, दिल्ली की अपेक्षाकृत कम है और दूसरे घरानों की कम है, लेकिन बनारस की कि जो बंदिशें हैं चाहे गत कायदे हों, गत हों, टुकड़े हों, फर्द हों, वो बहुत अच्छे से उन्होंने दिए हैं, ज्यादा दिए हैं। तो आप देखिए कि लेखक का की जो पृष्ठभूमि है, जो सामाजिक परिवेश है, जो शिक्षा है, जो तालीम है, वो बनारस की दुनिया जानती है। तो उन्होंने बनारस को उसमें अधिक, उसमें उस किताब में बनारस की बंदिशों का समावेश अधिक है। तो ये बात रेखांकित हो जाती है या को रिलेट हो जाती है कि लेखक की शिक्षा, तालीम, उसकी रुचि, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि या लेखक की जो पृष्ठभूमि है वो उसके लेखन में कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होती है।
यही बात अन्य लेखकों के लेखन में भी अगर आप ढूंढेंगे उसकी आपको मिलेगी। किसी भी पुस्तक का की जब समीक्षा करें तो लेखक के बारे में पूरी जानकारी कर लें और उसके काम को देखें, तो आपको उसके जीवन, उसके जीवन क्रम या उसकी घटना या उसकी तालीम उसके लेखन में प्रतिबिंबित होती हुई जरूर दिखाई देगी। अगला बिंदु है पुस्तक के लेख में दी गई सूचनाएं या उनके जो निष्कर्ष हैं किसी दूसरे लेखक की सूचनाओं या निष्कर्ष से विरोध तो नहीं रखते या भिन्नता तो नहीं रखते। अगर समानता रखते हैं तो हम एक सिद्धांतीकरण के की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर दोनों की रिसर्च है, ये लेखक जो आप सूचनाएं पढ़ते हैं या लेख पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, वो अलग अलग ऑथर का रिसर्च वर्क है, ये उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं जो दूसरे लेखक की रिसर्च फाइंडिंग से मैच भी कर सकती हैं और क्लैश भी कर सकती हैं, तो उनको भी आपको रेखांकित करना चाहिए। अगला बिंदु आता है क्या पुस्तक या लेख की विषय वस्तु आपके ज्ञान में वृद्धि करती है। तबले की संस्था का शिक्षा जब शुरू हुई तो किताब लिखने का प्रक्रिया भी शुरू हुई, बहुत सारी किताबों का लेखन शुरू हुआ 40 के दशक से पहले भी है, लेकिन 40 के दशक के बाद या 50 के दशक से ये एक गति पकड़ती है। 50 60 70 की दशक की जो किताबें हैं अगर उनकी मैंने समीक्षा की है शोध के अंतर्गत, तो एक बात समझ में आई कि किताबों में विषयानुगत पुनरावृत्ति बहुत अधिक दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि 4 किताबें पढ़ करके किसी लेखक ने 5वीं किताब की रचना कर दी है, वही बातें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस पुस्तक या लेख की आप समीक्षा कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उस लेख ने या उस पुस्तक ने आपके ज्ञान में कितनी वृद्धि की, या ज्ञान में कुछ ना कुछ तो वृद्धि की ये ही होगी। अगर नहीं की है तो आप इसको रेखांकित करिए कि उपरोक्त लेख या पुस्तक पूर्व के लिखे गए लेख या पुस्तकों की पुनरावृत्ति है, इसमें कुछ भी अनूठापन कोई नयापन नहीं है, ये उस विषय में उपलब्ध संचित ज्ञान को उसमें कुछ नया जोड़ नहीं रही है। अगला बिंदु है लेख पुस्तक या लेख की उपयोगिता या प्रासंगिकता क्या है, क्या वह विषय के उपलब्ध ज्ञान कोष में वृद्धि करता है। विषय का उपलब्ध ज्ञान कोष मतलब एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, तबले का जो उपलब्ध ज्ञान कोष है उसमें कुछ नया जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, या फिर जो कुछ उपलब्ध है उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको रेखांकित करना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को जो किसी भी पुस्तक या लेख की समीक्षा करने जा रहा है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो मैंने बताए, इन सब बिंदुओं को लेखन किसी भी पुस्तक की समीक्षा से पहले अपने ध्यान में रखिए और स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए। ये सारे चश्मे हैं, हर एक चश्मे को लगा करके आप किसी लेख या पुस्तक को देखिए तो आप अपने नजरिए से उसकी समीक्षा आराम से कर सकेंगे। अगली स्लाइड है कि पुस्तक या लेख की समीक्षा लिखने के लिए किन किन बिंदुओं का पालन करें, ये बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगा यहाँ पे, ये तो टेक्निक हो के स्वरूप और टेक्निक दोनों की बात यहाँ पर है। किसी भी पुस्तक को जब आप पढ़ना शुरू करें तो ऐसा नहीं है कि आप अध्याय 1 से शुरू कर दें, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है किसी भी पुस्तक को पढ़ने का। किसी भी पुस्तक को जब आप शुरू करें तो उसकी प्रस्तावना या उसका जो विषय प्रवेश है या लेखक का मनोगत है या लेखक ने जो कुछ भी लिखा है उसकी पृष्ठभूमि में सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे कि तबले में या गाने में क्या होता है कि हम तब कायदा सिखाते हैं, फिर रेला सिखाते हैं, फिर टुकड़ा सिखाते हैं, फिर पेशकार को आखिर में सीखते हैं, लेकिन पेशकार को बजाते सबसे पहले आलाप, कई साल गाना सीखने के बाद आलाप करने की कैपेसिटी आती है, लेकिन आलाप करते सबसे पहले, वैसे पेशकार बजाया सबसे पहले जाता है लेकिन पेशकार आता बहुत बाद में। उसी तरह किताब पूरी लिख दी जाती है लेकिन किताब का मनोगत या विषय सबसे पहले लिखा जाता है विषय प्रवेश, लेकिन वो किताब पूरी खत्म हो जाने के बाद ही लिखा जाता है, तो ये उसी प्रक्रिया का ही हिस्सा है। तो किसी भी किताब को जब आप पढ़ें तो सबसे पहले उसकी प्रस्तावना पढ़ें, विषय प्रवेश पढ़ें, लेखक ने जो अपना मंतव्य प्रकट किया है उसको पढ़ें, या किसी बड़े विद्वान ने उसके ऊपर 2 शब्द लिखे हैं उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन किया उसको पढ़ें। इससे लेखक के पुस्तक लिखने के दृष्टिकोणों को स्पष्ट करता है उसकी प्रस्तावना, आपको समझ में आ जाएगा पुस्तक की रूपरेखा क्या है,
पुस्तक को लेखक ने किस नजरिए से लिखा है, उसका दृष्टिकोण क्या है, किन समस्याओं के समाधान के लिए इस पुस्तक को लिखा गया या लेख को लिखा गया है, पुस्तक पर यह बात ज्यादा इम्प्लीमेंट होती है। उसके बाद नंबर दो आप आता है विषय सूची। विषय सूची को देखने पढ़ने से पुस्तक की परिधि, विषय वस्तु के क्रमिक विकास के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, उसमें समाहित बिंदुओं और उसके विस्तार को स्पष्ट करता है। क्योंकि जब आप कंटेंट देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा की चर्चा की गई है और कितनी की गई है, किस हद तक की गई, कितनी गहराई में हम गए, किन किन बिंदुओं को टच किया, उससे आपको पूरी किताब के बारे में मालूम हो जाएगा। यानी कि प्रस्तावना या विषय सूची वो खिड़की है जिससे आपको पूरा आकार दिखाई देता है उसके शोध, उसके रिसर्च फाइंडिंग्स का। तो उसको जरूर पढ़िए, अगर आप उसको गौर से पढ़ के समझते हैं तो यूं मान के चलिए 40% रिव्यू आपका आसान हो जाता है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, आपको पुस्तक के अध्यायों को एक एक करके पढ़ते जाइए और जो बिंदु आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, जो आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, उनको रेखांकित करते चलिए। रेखांकित का मतलब ये नहीं है कि आप पुस्तक में लाइन खींचते जाइए, आप अलग से नोट्स बनाइए और उन सब चीजों को लिखते जाइए। राइट डाउन योर नोट्स, मेक योर नोट्स व्हेन यू आर गोइंग, यू आर गो थ्रू रिव्यू। उसके बाद नोट्स बनाते में जो जो चीजें आपको आकर्षित करें, आप अपने शब्दों में उसकी व्याख्या लिखते जाइए। क्योंकि अब उसी समय अगर आप व्याख्या लिखेंगे तो इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं, भावानुवाद। आपको जो भी बात अच्छी लगती है, जो बिंदु आपको ठीक लगता है, आपको आकर्षित करता है, उसका भावानुवाद, उस बात के भाव का अनुवाद आप अपने शब्दों में लिखिए, पैराफ्रेजिंग इसको कहते हैं, ये टेक्निकल वर्ड है पैराफ्रेजिंग, भावानुवाद, उसको आप अपने शब्दों में लिखिए। उसके अलावा जिन बिंदुओं का उद्धरण देना है यानी कि कोट करना है, उनको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोट करते जाइए। अभी हम आगे जो उदाहरण देंगे उसमें इन सारी बातों को हमने समावेशित किया है, जो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस जगह पर हमने पैराफ्रेजिंग किया है और कहाँ पे कोटेशंस दिए हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि पुस्तक की वर्णित कोई सूचना या व्याख्या जो अन्य पुस्तकों से भिन्नता रखती हो उसको रेखांकित करते चलें। किसी भी विषय पर जो किताब लिखी गई है या दूसरे लेखकों से अलग जो बात आपको उसमें मिलती है, जो उससे भिन्नता रखती है, तभी तो वो किताब अलग है। वो भिन्नता अच्छी है, सच्ची है या कैसी है, वो उसकी समीक्षा बाद में करेंगे, लेकिन उसको रेखांकित करते चलिए कि ये अन्य लेखकों की किताब से भिन्नता है। यहाँ पर उसको रेखांकित करते चलिए, पूरी किताब इस तरह आप खत्म करिए। पुस्तक पढ़ने के बाद उसका समग्र चिंतन करिए, कम से कम एक दिन या दो दिन उसके बारे में सोचिए, क्योंकि उसका कोना कोना, उसके कोने कोने तक आपको पहुंच जाना है, हर आयाम, हर एंगल से उसको देखना है और समझना है। आपको 4-5 घंटे भी लग सकते हैं, और कभी कभी मैं जब लिखता हूँ तो मुझको पूरा एक दिन या दो दिन लग जाते हैं, मैं उसको पूरा समझता हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको समझने के बाद फिर लिखना शुरू करता हूँ। तो उसको अच्छे से जब आप समझेंगे, थोड़ा समय देंगे, इसे कहते हैं एसिमिलेशन ऑफ वर्क, वो चीज़ आपके मन में अवशोषित हो जाएगी, अवशोषित होने के बाद आप अभिव्यक्त करेंगे तो अभिव्यक्ति बहुत मजबूत और तार्किक होगी। पुस्तक की विशेषताओं, उनकी कमियां या उसके जो कमजोर पक्ष हैं उसको भी रेखांकित करते चलिए और उसकी संतुलित व्याख्या करिए, क्योंकि समीक्षा का मतलब सिर्फ किसी पुस्तक या किसी लेख का या किसी लेखक का गुणगान करना नहीं है। अगर सिर्फ आप गुणगान करते रहेंगे तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई काम वास्तव में बहुत अच्छा है तो उसका गुणगान भी करिए। अगर उसमें जबरदस्ती कोई उसके कमजोर पक्ष की व्याख्या करने या उसकी कमियां जबरदस्ती निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर काम बहुत अच्छा है तो उसको उस तरीके से व्याख्या करिए। क्या पुस्तक विषय के उपलब्ध ज्ञान को उसमें वृद्धि करती है या पूर्व में लिखी पुस्तकों का अनुकरण मात्र है, इसको संगीत की किताबों के संदर्भ में जरूर नजर में रखना चाहिए, क्योंकि संगीत में पुस्तकों के लेखन में ये पुनरावृत्ति की वृत्ति बहुत अधिक दिखती है। वर्तमान में जो किताबें लिखी जा रही हैं उनमें वो दोष थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप 50-60 के दशक में किताबें जब नहीं थी, उस समय जो किताबें लिखी गई थी वो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कोई और आधार नहीं था, लेखकों ने लिखा था, तो उसको उसकी समीक्षा हम अलग अलग एंगल से कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम जब शोध कार्य होता है, उसका उद्देश्य होता है कि वो विषय के ज्ञान में वृद्धि करे, ये एक जरूरी शर्त है किसी भी शोध की, तो आप इसको जरूर रेखांकित करिए। पुस्तक के अंत में पुस्तक पढ़ने के दौरान बनाए गए नोट्स की सहायता करके सहायता लीजिए, जो नोट्स आपने पैराफ्रेजिंग की है और कोटेशंस लिखे हैं उन सबको समाहित करते हुए अब आराम से बैठ करके आप समीक्षा लिखिए। एक दिन या दो दिन में आप एक बहुत अच्छी संतुलित समीक्षा लिख पाएंगे आराम से। समीक्षा लिखने के का कोई भी
ऐसा पैरामीटर नहीं है कि समीक्षा आधे पेज की हो, एक पेज की हो, दो पेज की हो, पांच पेज की हो या उससे अधिक की हो। ये आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है और आवश्यकता पर निर्भर करता है। यदि आप किसी किसी पत्रिका में किसी पुस्तक की समीक्षा लिख करके भेज रहे हैं तो हार्डली एक से डेढ़ पेज से ज्यादा वो आपको जगह नहीं देंगे, जगह नहीं देते हैं। हमारी संगीत गैलेक्सी पत्रिका है, हम उसमें भी बुक रिव्यू इनवाइट करते हैं अगर, और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश करते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो बहुत सारी किताबों के रिव्यू उसमें पब्लिश हुए हैं और हम उसको बहुत सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। जो किताब जो रिव्यू लिखे हैं उसके हम उसके लिए शब्दों की कोई बाध्यता नहीं होती है, लेकिन बहुत सारगर्भित और बहुत गुणात्मक या क्वालिटेटिव रिव्यू को हम पब्लिश करते हैं। तो इसीलिए पुस्तक किसी भी पुस्तक की समीक्षा आप लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो आवश्यकता दो पेज में और चैप्टर वाइज भी समीक्षा करके उसको उसके स्वरूप को बहुत बढ़ाया भी जा सकता है। ये तो हमने बात की किसी पुस्तक और लेख की समीक्षा कैसे करें, उसकी क्या तकनीक और क्या स्वरूप होना चाहिए। अब हम उदाहरण की बात करेंगे। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, मैं एक संक्षेप में एक लेख मैंने लिया है, तबले की परिभाषाएं, कुछ भ्रांतियां, कुछ विचार। ये लेख है प्रोफेसर मुकुंद भाले सर का, भाले जी का, संगीत कला विहार पत्रिका में प्रकाशित हुआ है वर्ष 2009 में। बड़ा प्रासंगिक लेख है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि केवल व्याख्या करने के साथ साथ अगर हम एक एग्जाम्पल और एक सैंपल भी विद्यार्थियों के सामने संक्षेप में रखेंगे तो उनकी उनकी धारणा और मजबूत होगी, उनको चीजें और गहराई से समझ में आएंगी। तो ये जो लेख लिखा था आज ये वस्ता दीदी ने जो जो चर्चा की उससे इस चर्चा के बाद से इस लेख पर चर्चा करना बड़ा प्रासंगिक हो गया, क्योंकि तो दीदी ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया था, वो मुद्दा इससे अपने आप को रिलेट हो गया। ये कोरिलेशन ऑटोमेटिक हो गया, अभी आप देखेंगे। तो इसकी मैंने समीक्षा लिखी है और उम्मीद है कि आप इसको कंसीडर करेंगे। तो जो पुस्तक है उसमें जो समीक्षा जो लेख है भाले सर का, उसमें उन्होंने तीन बिंदुओं पर चर्चा किया। मैं इसको पढ़ता चलता हूँ कि और मैंने इसको अपने तरीके से पैराफ्रेजिंग और कोटेशन दे करके लिखा है। अब विद्यार्थी पैराफ्रेजिंग, कोटेशन और उसके सारे अंगों को जिसकी मैंने चर्चा की है उसको यहाँ पर आप समाहित हुआ पाएंगे। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। स्वतंत्र और समग्र चिंतन व तार्किक व्याख्याओं के अभाव में तबला विषय की कई पारिभाषिक शब्दावलियों के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा हो गई, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तबला विषय की शिक्षा व परीक्षा पर पड़ता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। प्रस्तुत लेख में विद्वान लेखक प्रोफेसर मुकुंद भाले ने तबले की परिभाषिक शब्दावलियों में व्याप्त कुछ भ्रांतियों के निराकरण के संबंध में अपने स्वतंत्र व शोधपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। लेख में विद्वान लेखक ने मूल रूप से तीन बिंदुओं की चर्चा की है। नंबर एक, ताल तबले की या पखावज की। एक मुद्दा उन्होंने उठाया है कि ताल किसकी है, तबले की या पखावज की, इसकी उन्होंने व्याख्या की है। दूसरा बिंदु है, क्या रूपक ताल की पहली मात्रा पर खाली गलत है। और तीसरा बिंदु है, चक्रदार तिहाई, नौहक्का तिहाई, इस पर उन्होंने अपने शोधपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। आगे उन्होंने क्या लिखा है उसको मैं बोल रहा हूं कि लेख के प्रथम बिंदु, ताल तबले की या पखावज की, इसके अंतर्गत लेखक ने कहा कि ठेका ताल अर्थात समय के आधार पर बनाई गई अवनत वाद्यों के पटाक्षरों से निर्मित ऐसी रचना है जो ताल पर आधारित होने के साथ साथ सौंदर्यपूर्ण भाषा का आविष्कार भी है। ताल जो है जो है क्या कहते हैं वो उन्होंने इसको यहाँ पर व्याख्या किया, अर्थात किसी एक ही ताल का तबले का ठेका और पखावज का ठेका अलग अलग हो सकता है, किसी एक ही ताल का तबले का ठेका और पखावज का ठेका अलग अलग हो सकता है। ये उन्होंने बात बोली जिसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में कोट करके रखा, ये कोट किया है मैंने।
प्रस्तुत किया कि यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि अमुक ताल तबले की है या पखावज की। इसकी जगह पर तबले का पखावज या तबले का टेका कहना ज्यादा उचित होगा, ये उन्होंने विचार प्रकट किया। अगला बिंदु है, उन्होंने उठाया कि कुछ विद्वान रूपक ताल में पहली मात्रा पर खाली को उचित नहीं मानते, जिसके पीछे उनके दो तर्क हैं। एक, सम आघात युक्त और जोरदार होना चाहिए, और दूसरा कि अन्य किसी भी ताल में पहली मात्रा पर खाली नहीं है, इसीलिए रूपक में भी खाली नहीं होना चाहिए। तो प्रोफेसर भाले ने लेख के द्वितीय बिंदु, क्या रूपक ताल की पहली मात्रा पर खाली गलत है, इसके अंतर्गत नाट्यशास्त्र में वर्णित मार्गी ताल पद्धति के आधार पर सिद्ध किया है कि संपरताली होना आवश्यक नहीं है, अतः रूपक की पहली मात्रा पर खाली होना और फिर भी संपर होना परंपरागत रूप से शास्त्रीय और तर्कसम्मत है। अब उन्होंने किन किन बातों की नाट्यशास्त्र में किन किन बातों का उल्लेख किया है, इसको जानने के लिए आपको लेख पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या होता ही है कि समीक्षा किसी भी विषय वस्तु की ऐसी होनी चाहिए कि जो जानकारी भी दे लेकिन पढ़ने वाले के मन में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा भी पैदा कर दे कि ये क्या क्या बात है, जरा इसको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि लेख में एक्चुअली है क्या, इसको विस्तार से जानना चाहिए। तो समीक्षा लेखन का एक गुण ये भी है कि वो पाठक के मन में जिज्ञासाओं का उबाल पैदा कर दे। तो यहाँ पर जो जैसे वसुधा दीदी ने अभी बताया कि तीना, तो अगर इसको चूंकि ये चक्रीय रूप में है तो धीना अगर कर दें तो क्या हाल चाहिए, बहुत अच्छा विचार है। लेकिन भाले साहब ने यहाँ पर नाट्यशास्त्र में वर्णित मार्गी ताल पद्धति का उल्लेख करते हुए उद्घट्ट ताल का उल्लेख किया है। हालांकि जब दीदी बोल रही थी तो मैंने तुरंत वीडियो को ऑफ करके भाले सर का वो लेख निकाल लिया जिसमें उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से उसकी व्याख्या की है कि रूपक में जो खाली पहली मात्रा पर खाली क्यों है। तो उन्होंने इसमें मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दूंगा कि भरत ने मार्गी ताल में का इसमें पांच मार्गी तालों का जो पांच तालों का उल्लेख है उसमें जो पांचवा ताल है उद्घट्ट, इसके लक्षण देते हुए भरत ने स्पष्ट किया कि इसमें तीन गुरु हैं और उसकी क्रियाविधि देते हुए इसकी पहली क्रिया निष्काम बताई है, निष्काम जो निःशब्द क्रिया है, अन्य दो क्रिया है वो शम्य है जो सशब्द है। इसी को लेकर के उन्होंने व्याख्या की है और ये सिद्ध किया है कि रूपक की पहली मात्रा पर खाली होना और फिर भी सम होना परंपरागत रूप से शास्त्रीय है और तर्क सम्मत है। ये है एक जिसे एक्सेप्शनल केस नहीं है, इसको एक्सेप्शनल नहीं मानना चाहिए, यह तर्क संगत है, ऐसा उन्होंने व्याख्या किया। अगले बिंदु की ओर हम आते हैं कि लेखक ने तृतीय बिंदु या अंतिम बिंदु में, जो लेख का अंतिम बिंदु है, चक्रधार तिहाई नौहक्का तिहाई को उदाहरण देकर परिभाषित करते हुए इसकी तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की है। इस संबंध में तबला विद्वानों में विभिन्न मतों का जिक्र करते हुए प्रोफेसर भाले ने स्पष्ट किया है कि चक्रधार तिहाई को ही बुजुर्गों ने नौहक्का कहा है। ये अब इसके बारे में और किस तरह से उन्होंने मतांतरों को स्पष्ट किया है, व्याख्या की है और इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं, इसके लिए आपको उनको लेख पढ़ना पड़ेगा। प्रस्तुत लेख, अब मैं लिख रहा हूँ पैराफ्रेजिंग, फाइनल में कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। प्रस्तुत लेख के माध्यम से विद्वान लेखक ने तबला विषय में व्याप्त कतिपय परिभाषिक शब्दों गलियों व धारणाओं की तर्कसम्मत व्याख्या प्रस्तुत की है, जो कि तबला विषय की शिक्षा को सरलीकरण और मानकीकृत करने की दिशा में सराहनीय प्रयास है। इससे आने वाले तबले के विद्यार्थियों को विषय से संबंधित एक मजबूत पृष्ठभूमि मिलेगी, उनकी धारणाएं और अधिक पुष्ट व स्पष्ट होंगी। इसके अतिरिक्त लेख में ऐतिहासिक कार्यों के संदर्भों का यदि उल्लेख होता तो विद्यार्थियों व भविष्य के तबले के शुभार्थियों को विषय के मूल स्रोतों की प्रमाणिक जानकारी आसानी से उपलब्ध हो पाती। तो ये एक संतुलित समीक्षा लिखने का मैंने प्रयास किया है इस लेख की, जिसका टाइटल था तबले की परिभाषाएं कुछ भ्रांतियां कुछ विचार। इसी लेख की समीक्षा दूसरे विद्वान अलग अलग दृष्टि से कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया उनके तरीके दूसरे होंगे, वो दूसरे तरीके से इसको विस्तार दे सकते हैं, मतांतरों का भी विस्तार कर सकते हैं, अपने जो उनके विचार हैं वो भी समझ सकते हैं।
ये एक लेख की समीक्षा थी संक्षेप में। अब यहाँ पर एक तबले का उद्गम विकास और वादन शैलियाँ डॉक्टर योगेश योग महेश शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय हिंदी विश्वविद्यालय से 1987 का प्रथम संस्करण है। मूल्य वर्तमान में 120 रुपए है। इतनी सस्ती किताब आज की तारीख में कोई भी नहीं उपलब्ध होती है। ये बेसिक है, फंडामेंटल रिसर्च वर्क है और वो इतना सस्ता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है विद्यार्थियों के लिए। नहीं तो अदरवाइज किताबें आज की तारीख में बहुत महंगी है। विश्वविद्यालय प्रकाशन में अभी भी 120 रुपए की किताबें ले लिया। हर विद्यार्थी को उसको जरूर खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत उपयोगी किताब है। अब मैं इस किताब की संक्षिप्त समीक्षा मैंने लिखी है और उन सारे बातों को समाहित करने का प्रयास किया है जो टेक्निक और स्वरूप को मैंने अभी डिस्कस किया था। तबला उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख तालवाद्य है। संस्थागत शिक्षा में तबला वादन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थान मिलने के बाद से इसकी उत्पत्ति और विकास के संबंध में चिंतन मंथन आरंभ हो गया था। प्रमाणिक जानकारी व तार्किक व्याख्याओं के अभाव के कारण इस वाद्य की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतांतर प्रचलित हो गए थे। वर्ष 1987 में डॉक्टर योग माया शुक्ल जी की पुस्तक तबले का उद्गम विकास और वादन शैलियां प्रकाशित हुई जो तबला वाद्य की उत्पत्ति व विकास संबंधी विभिन्न मतों की व्याख्या करती है, साथ ही उसका समीक्षात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक डॉक्टर योग माया जी का शोध कार्य है जिसके लिए उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई थी। योग माया जी ने अपने शोध प्रबंध में हुए स्पष्ट किया कि तबलावाद की उत्पत्ति का आधार भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में वर्णित त्रिपुष्कर वाद्य है। त्रिपुष्कर वाद्य के तीन भाग थे, आंगिक, ऊर्ध्वक और आलिंग। दो ऊर्ध्वाधर खड़े भागों को ऊर्ध्वक और आलिंग, जबकि लेटे हुए भाग को अंकित कहा जाता था जो अंक अर्थात गोद में रखकर बजाया जाता था। सातवीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे पुष्कर की इस आकृति में परिवर्तन होता गया और बारहवीं शताब्दी या तेरहवीं शताब्दी तक वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका था। ऊर्ध्वक और अलिंग हिस्से हट गए और अंकित जो कि अंक में रखकर बजाया जाता था वह हिस्सा बच गया जो आगे चलकर मृदंग के नाम से प्रचलित हुआ। वर्तमान में प्रचलित उत्तर भारत का मृदंग या पखावज तथा दक्षिण भारत का मृदंगम भरतकालीन त्रिपुष्कर वाद का ही परिष्कृत भाग है जिसे कोटेड ये इन्वर्टेड कॉमा से कोट किया गया है। अगली है कि 10 अध्यायों में विभक्त। अब समीक्षा में हमने ये बता दिया कि जो किताब है वो 10 अध्यायों में विभक्त है। इस पुस्तक में तबलावाद और उसके विभिन्न पक्षों पर मुख्यतः ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसंधान और विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। भारतीय अवनतवादियों की उत्पत्ति और उनके विकास और उनके प्रकारों का सचित्र वर्णन किया है। लेखिका के अनुसार पुष्करवादियों का आविष्कार भारतीय अवनतवादियों के इतिहास की अभूतपूर्ण घटना थी जिससे आगे चलकर आज के उत्तर भारतीय पखावज व तबला तथा दक्षिण भारतीय मृदंगम आदि समुन्नत अवनतवादियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ जो कि स्वरमार्जन स्वरमार्जना प्रहार पटाक्षरों व विविध लयकारियों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होने के साथ साथ अपनी कलात्मक श्रेष्ठता के कारण विश्व में अवनतवादियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। विदुषी लेखिका द्वारा तबले की उत्पत्ति व विकास के संबंध में तत्कालीन शास्त्र ग्रंथों संगीतोपनिषद सारोद्धार पद्मावत असमिया रामायण गुरु ग्रंथ साहब आदि का गहन अध्ययन किया गया है तथा संस्कृत अरबी फारसी उर्दू तुर्की भाषाओं में प्रचलित तबले तबल टेबल आदि जैसे समानांतर उच्चारण वाले शब्दों की गहन व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कालों में गढ़ी गई प्रस्तर मूर्तियों भित्ति चित्रों प्रस्तर शिल्पों और चित्रों आदि में द्विपुष्कर त्रिपुष्कर वाद्यों को बजाते हुए वादकों आदि का उल्लेख प्रमाण के रूप में किया है। पुस्तक में तबले की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मत और उनकी समीक्षा के साथ साथ भारतीय अवनतवादियों के भेद द्विमुखी अवनतवादियों का विकास मध्ययुग में तबले का अस्तित्व विकास तबला वादन के विभिन्न प्रयोगों आदि महत्वपूर्ण विषयों पर भरपूर जानकारी दी गई है। तबले के घरानों का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत ज्यादा उनकी वंशावली और घरानों घराने के कलाकारों के समय के निर्धारण करने के लिए समकालीन ग्रंथों में उपलब्ध सूचनाओं व प्रमाणों का प्रयोग किया गया है।
विदुषी लेखिका ने बताया कि समकालीन ग्रंथों में उपलब्ध सूचना या तो अधूरी प्रतीत होती है या अन्य प्रमाणों से साम्य नहीं रखती। इस प्रकार तबले के घरानों के बारे में वर्तमान पुस्तकों में लिखित इतिहास, जो कि मुख्यतः मौखिक सूचनाओं पर आधारित है, प्रायः असत्य प्रतीत होता है। इस प्रकार इस लेखकों का अध्ययन आवश्यक है। अब देखिए बात को जो उन्होंने बताया, उन्होंने फर्दर रिसर्च मतलब भविष्य में शोध इस दिशा में किए जाए, इसका उन्होंने थोड़ा सा इशारा देकर के छोड़ दिया। यहाँ पर इस बात का मतलब ये निकलता है, तबला वाद्य की वादन शैली के वर्णन में भी उनकी वादन विधियों और परिभाषाओं पर अधिक बल नहीं देकर के बहुत आवश्यक संदर्भों में उसका उल्लेख किया है। अब हम खत्म करते हैं, संक्षेप में आते हैं। पुस्तक में दिए द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर आदि के चित्र इसको और अधिक प्रमाणिक व आकर्षक बनाते हैं पुस्तक को, लेकिन चित्र काफी अस्पष्ट हैं। कई सारे चित्र हैं जो बड़े अस्पष्ट हैं, जिनको देख करके वाद्यों की आकृति का अनुमान लगा पाना विद्यार्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप त्रिपुष्कर वाद्य को देखें, उसमें चित्र समझ में नहीं आता है, हम समझ नहीं पाते कि त्रिपुष्कर कहाँ है। तो किताबों में चित्र दिए गए हैं, प्रमाणिक शोध है, खुद लेखिका ने किया होगा ऐसा हम मान के चल रहे हैं, लेकिन जब हम किताब को पढ़ते हैं तो उसको कोरिलेट करने के लिए हमें बहुत सारे चित्र ऐसे हैं जो बड़े अस्पष्ट हैं। तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक का ये एक थोड़ा सा कमजोर पक्ष है कि हम उसको कोरिलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, 100 में से 99, 99 मार्क्स इसको मिलते हैं। आधा सिर्फ मुझे लगता है कि कुछ मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं समझ पाता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं जानता, लेकिन मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है इस समझ में नहीं आ रहा था पुष्कर वाद्य कैसा है, मैं उसकी आकृति को समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन अन्य बहुत सारे चित्र हैं जो बहुत स्पष्ट हैं, कुछ चित्र हैं जो थोड़े अस्पष्ट हैं, इसलिए उसको रेखांकित करना पुस्तक को लेखित करना जरूरी हो जाता है। निष्कर्षता, इस पुस्तक के प्रकाशन से तबले की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मतांतरों का निराकरण प्रस्तुत किया गया। कुछ कक्षाओं के व्यक्तियों को तबला उत्पत्ति संबंधी तथ्यों को समझने में काफी सहायता प्राप्त हुई। पुस्तक लेखन में हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त विभिन्न भाषाओं के तत्कालीन ग्रंथों संस्कृत, अरबी, उर्दू, पंजाबी, फारसी, बंगला, मराठी, असमिया आदि का संदर्भ के रूप में उल्लेख विदुषी लेखिका के अध्ययन की विस्तृत परिधि को दर्शाता है। यह पुस्तक निश्चित रूप से तबला विषय के विद्यार्थियों भविष्य के शोधार्थियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। ये पुस्तक की समीक्षा मैंने संक्षेप में थोड़ी सा विस्तार भी किया, ताकि पुस्तक की समीक्षा बहुत छोटे में नहीं हो सकती, इसलिए कम से कम 1.5 से 2 पेज लिखना ही पड़ता है, तब भी ये संक्षेप में है। अध्याय के आधार पर अगर लिखेंगे तो ये समीक्षा और बड़ी हो जाएगी, ये बड़ी हो सकती है। ये किताब बहुत वैल्यूएबल है, बहुत विस्तार है इसको समझने, बहुत विस्तार है इसमें, बहुत फर्दर रिसर्च के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो योगमाया जी ने छोड़ दी भविष्य के शोधार्थियों के लिए। ये तो समीक्षा की बात हुई, अब हम अपने वक्तव्य के अंतिम बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बात जो मैं विद्यार्थियों के साथ, जो मेरा अनुभव रहा है इतने सालों से जो मैं शोध करा रहा हूँ, कि हम जब विद्यार्थी को समीक्षा लिखने के लिए देते हैं पुस्तक की, तो वो पुस्तक की समीक्षा नहीं लिख सकता और शायद नहीं लिख पाएगा भी, मुश्किल होता है, क्योंकि पुस्तक 100, 150, 200 पेज की होती है। इतनी किताब, इतनी मोटी किताब को पढ़ना और उसकी समीक्षा लिखना एक कठिन काम है, उसके लिए बड़ा धैर्य और काफ़ी गहरी समझ, परिपक्वता, पैनी नज़र चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शोधार्थी जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं एक सुझाव ये दूंगा जो मैंने प्रयोग किया, कि वो किसी एक विषय से जुड़े हुए लेखों को एकत्र करें। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तबलावाद की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाशित लेख, तबले की उत्पत्ति, तबले का इतिहास, उत्पत्ति, विकास और घराने, अबानी मिस्त्री जी का लेख है। एक ही मुद्दे पर ये चार लेख हैं। ये संगीत पत्रिका में 1993 में प्रकाशित हुआ था। तबले का आविष्कार, एक पुनर्विचार, विजय शंकर जी का लेख है, संगीत पत्रिका में 1993 में ये भी प्रकाशित हुआ। तबले वाद्य के इतिहास में नया अध्याय, गौरंग भावसागर गुरु जी का लेख है, बहुत मूल्यवान लेख है, हमारे साथ शायद जुड़े होंगे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ गुरु जी को, ये भी नवंबर 2005 में प्रकाशित हुआ है। और एक और लेख है तबला ना खुसरो का ना अरब, त्रिपुष्कर है, क्या इस लेख का स्पष्ट नाम नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्षमा करिएगा इसके लिए। भीमसेन सरल का लेख है,
छायानट में प्रकाशित है। तो इस तरह से एक ही मुद्दे पर ये चार लेख हैं। विद्यार्थियों को मैं उनसे उनको सजेस्ट करूंगा कि जब वो समीक्षा लिखने की प्रक्रिया को शुरू करें, चाहे वो एमफिल हो या डिसर्टेशन हो या किताब का लेख, किताब की समीक्षा ना लिखें। डोंट राइट बुक रिव्यू, यू शुड गो थ्रू, फर्स्टली यू शुड गो थ्रू आर्टिकल्स, छोटे हैं, दो तीन चार पेज, पांच पेज, अधिकतम चार पांच पेज का एक लेख होता है, उसको अच्छे से समझिए, उसके गुणों को, उसके गुणों को, उसकी विशेषताओं को रेखांकित करते चलिए, नोट्स पढ़ेंगे, फिर आप दूसरे लेख को पढ़िए। एक ही विषय से जुड़े हुए लेखकों को जब लेखकों को तो आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी और आसानी से समझ में आएंगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी, आप आराम से उसको समझ सकते हैं। तो आप पहले लेखकों जो छोटे छोटे लेख हैं एक ही मुद्दे पर उनको पढ़िए। उसके अलावा तबले के फरुखा घराने पर प्रकाशित लेखों को मैंने यहाँ पर सामने दिया है। एक लेख है फरुखाबाद घराने में प्रयुक्त गति और उसकी विशेषताएं, रश्मि श्रीवास्तव जी का लेख है, संगीत प्रभुजा 13 में प्रकाशित है। फरुखाबाद घराने की प्राचीन बंदिशों का स्वर्यात्मक स्वरूप है, सुवर्णा घोलकर जी का लेख है, नाद नर्तन में अप्रैल 2019 में प्रकाशित है। तबले का फरुखाबाद घराना प्रेम नारायण सिंह जी का लेख है, चाइनक में प्रकाशित है। तबले घराना मुकुंद भाले जी का लेख है, संगीत कला विहार अप्रैल 2002 में प्रकाशित है। तो एक ही विषय से जुड़े हुए लेखों को एकत्र करके आप दो ही लेख, दो लेखों पर पहले ट्राई करिए, उससे आपको अंतर और समानांतर क्या क्या बातें हैं ये समझ में आने शुरू हो जाएंगी। तो आप इस स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले छोटे छोटे लेखों का समीक्षा करिए, देखिए जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा, आपकी नजर खुलने लगेगी, आपके अंदर परिपक्वता आने लगेगी, उसके बाद आप पुस्तकों का रिव्यू करें। तो ये एक क्रमिक विकास है, ये प्रक्रिया है। जब आप इस चैनल के थ्रू जाएंगे तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है आप एक अच्छा बुक रिव्यू लिख पाएंगे और एक अच्छा जो बुक रिव्यूअर, एक अच्छा समीक्षक के तौर पर आप किताबों को लिखेंगे। आने वाले जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी, उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मेरा जो मेरी जो नॉलेज थी, जो मैंने समझा था, मैंने उसको संक्षेप में आप सभी लोगों के साथ शेयर किया। सारे गुरुजन लोग हैं, अब बहुत सारे विजय शंकर सर हैं और महेंद्र जी हैं और गौरांग सर हैं, इन सब लोगों को पढ़ करके मैंने मेरा विद्यार्थी जीवन बीता है, इनको पढ़ करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपके सामने हूँ। यदि इस पूरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हो, कोई अशुद्धि हो, तो मुझे आज गुरु पूर्णिमा भी है, इसीलिए मैं फिर से आप सभी का सादर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपने मुझे इतनी देर सुना। विद्यार्थी जो है, अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी आप कोई भी चीज जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में मैं एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद प्रवीण भैया को दूंगा, प्रवीण जी को दूंगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और आज के दिन अवसर दिया। मुझे तो पता नहीं था, जब बात हुई उन्होंने कहा कि 5 तारीख को आपको बोलना है, तो मुझे पता ही नहीं था कि 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। और तो बाद में जब मैंने देखा तो देखा गुरु पूर्णिमा, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि मुझे आज के दिन बोलना है। और जिन जिन लोगों को मैंने पूरे विद्यार्थी जीवन में अनुकरण किया और पढ़ा समझा, वो सारे लोग मेरे सामने हैं। मैं फिर से एक बार BHU फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, संगीता दीदी को, प्रवीण उद्धव जी को और राजेश शाह सर को अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। दोनों व्याख्यानों से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए थे, तो जो क्वेश्चन अभी मैंने देखा कि एक विष्णु दिगंबर ताल लिपि में दुगुन तुगुन कैसे लिखते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन है और उसी में ज़्यादातर लिपि के बारे में पूछा गया है। तो हम इसके बता दें कि लिपि के ऊपर जब हम वो करेंगे, एक व्याख्यान रखेंगे, तब ये क्वेश्चन वो होगा। अभी हम बताते हैं कि अमित जी का ये व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण रहा और समीक्षा के लिए उन्होंने अपने विचार बहुत ही स्पष्ट रूप से रखे। और आजकल रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर काफी विद्वान लोग हर विषय में काम कर रहे हैं, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में
रिसर्च की किस विधि से होना चाहिए इसके ऊपर कई विद्वान लोग अपना अपना मत रखते हैं, और मुझे लगता है कि उसी चीज़ों का अध्ययन करके अमित जी ने काफ़ी चीज़ें उसमें से एक संगीत के लिए क्या जरूरी होता है उस चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से समझा, उसको करके देखा और उसके बाद हम लोगों के समक्ष ये अपने विचार रखे। तो आज के दोनों विचार व्याख्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण रहे कि एक में समस्या ही समस्याओं का धर्मार था और दूसरे में हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग जैसे पुस्तकों के संबंध में जो मतांतर हैं उसको समीक्षाओं के माध्यम से हम कैसे दूर कर सकते हैं। बाकी तो मैंने बताया कि जो प्रायोगिक पक्ष है उसके लिए तो परिसंवाद ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो परिसंवाद भी हो और कई रिसर्च स्कॉलरों को एक मार्ग मिला होगा, एक दिशा मिली होगी कि किस तरह के आर्टिकल लिखना चाहिए, किस तरह के विषय। कई बार रिसर्च स्कॉलर को यही नहीं समझ में आता है कि आखिर हम लिखें किस चीज़ पे, तो विषय ही समझ में नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है आज विषय भी मिल गए होंगे और विषय लिखने के तरीके को जो उन्होंने अमित जी ने अपने ढंग से जो उन्होंने एक सिस्टम बताया, जो एक विधि बताई, वो भी आपको मिली है। तो आज के दोनों व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और मुझे एक मेरा एक सुझाव है कि रिसर्च इंट्रेंस जब होता है विश्वविद्यालय में तो उस संबंध में जरूर कितनी पुस्तकों पर समीक्षाएं लिखी गई हैं ये जरूर उसका लेना चाहिए इंट्रेंस के समय कि आपने आज तक कितनी पुस्तकों पर समीक्षाएं लिखी हैं, और वो समीक्षाएं लिखी हैं उसको सबमिट करें बताएं, और उसके बाद फिर समीक्षा एक पुस्तक पे जरूर लिखवाना चाहिए इंट्रेंस टेस्ट के समय, ताकि ये जो रिसर्च के ऊपर जो कई बार ऐसे विद्यार्थियों को एडमिशन हो जाता है जिनको शोध कार्य करते तक एंड तक ये समझ में नहीं आता है कि इसको लिखें कैसे, क्या होता है, कैसे विचार किया जाता है, तो इस दिशा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है सभी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि बैठे हैं तो हम लोग भी इस बात पे भी विचार कर सकते हैं। और समीक्षा करना थोड़ा मुश्किल काम भी है, तो मेरा ये भी सोच है कि समीक्षा कर लें और उसके बाद अपने गुरु लोगों से और पंडित विजय शंकर मिश्र जी जैसे गुणी लोगों से जरूर चर्चा करें, क्योंकि कहाँ कभी ऐसा ना हो जाए कि समीक्षा में हम ऐसे विचारों को लेके हम अपना मत मतांतर कर दें। क्योंकि देखो विचारों का असमानता तो रहती है, कोई विचार किसी को अच्छा लगता है, कोई विचार उसको अच्छा तार्किक होने के बावजूद भी वो उसको अंदर से उसके लिए सकारात्मक नहीं सोच पाता। तो ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से जब विद्वानों से हम समीक्षा करेंगे करके और हमारे विद्वानों से उसमें समर्थन लेंगे तो मुझे लगता है समीक्षा करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि समीक्षा हमारे संगीत जगत के यदि जैसे तब गाने में जो टॉपर होते हैं, जैसे तबले में टॉप के कलाकार हैं जाकिर हुसैन जी हैं, आनंद चटर्जी हैं, ऐसे ही संगीत की दुनिया में यदि समीक्षा का यदि कोई टॉपर देखा जाए तो हमारे समक्ष हैं पंडित विजय शंकर मिश्रा जी, जो मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक ही समीक्षक है, सब लोग जानते हैं, इसके अलावा दूसरा उनका कोई जोड़ा नहीं है पंडित जी का। तो ये और रिसर्च होता है कुछ बात है तो पंडित जी का विचार जरूर लिया जाता है और उनकी समीक्षा के ऊपर जल्दी से अंगली उठती भी नहीं है, और वो इतने सकारात्मक भी हैं कि यदि कोई बात तो तुरंत वो कर लेते हैं और मतलब लॉजिकल विचार रखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये आज जो दोनों व्याख्यान हुए और हमारे समक्ष पंडित विजय शंकर मिश्रा जी भी हैं, तो मैं चाहूँगा दो शब्द आशीर्वचन उनके मिले और उसके बाद फिर प्रवीण जी मुझे कुछ कहने के लिए कह रहे हैं क्या? जी जी जी, अब समीक्षा की बात है और समीक्षा के टॉपर मतलब हमारे
हर विषय के अपने एक ग्रेट कलाकार होते हैं ना, तो समीक्षा का मुझे नहीं लगता कि आप आपका कोई जोड़ा है हिंदुस्तान में। ये मेरा अपना मत है और मेरा ही नहीं, मुझे लग रहा है कि आज अमित जी ने भी जिस तरह से माना कि उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से आपको पढ़ा है, और मैं इसमें जितने भी हमारे विद्वान हैं सब इस मामले में एक मत है। गौरांग जी भी गर्दन हिला के अपना समर्थन कर रहे हैं और राहुल जी भी का समर्थन कर रहे हैं। कोई विद्वान ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि समीक्षक के रूप में मुझे लगता है हिंदुस्तान में आपका नंबर वन स्थान है, ये एकदम सत्य बात है। और उसका कारण ये है कि आप लॉजिकल विचार भी रखते हैं, तार्किक रखते हैं, उसका लॉजिक देते हैं कि आखिर ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो समीक्षा करना बहुत मुश्किल काम है और समीक्षा की बात हो तो दो शब्द आशीर्वचन आपके जरूर मिलना चाहिए, ऐसे हम लोगों की बड़ी इच्छा है। एक तो प्रवीण जी, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है मेरे लिए कि आज के जो दोनों ही वक्ता हैं जी, ये दोनों उसी संस्था सम से जुड़े हुए हैं जी, जी। जिस संस्था सम में आपने एक बार प्रोग्राम भी बजाकर उस संस्था को गौरवान्वित किया जी, जी। तो वसुधा जी और अमित दोनों ही मेरे परिवार के सदस्य हैं एक तरह से, और दोनों से ही बड़ा प्रेम रहा है मेरा। और आप भी जो बोल रहे हैं उसमें आपका प्रेम और आपका बड़प्पन ज्यादा झलक रहा है, तथ्य कम ही लग रहा है क्योंकि मैं इतना बड़ा कुछ हूँ नहीं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे विचारों में भी ना परिवर्तन होता रहता है। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ही कंफ्यूज हूँ, और मैं संगीत को जब विद्या के रूप में देखता हूँ तो एक दूसरी चीज सामने आती है, और जब कला के रूप में देखता हूँ तो दूसरी बात सामने आती है। जैसे वसुधा जी ने पेशकार कायदा या कायदा रेला जैसे शब्दों की जो बात की जी, जी। इसका एक कला पक्ष है, समझे ना, ये कलाकारों ने किया है जी, ये जी। कलाकारों की अपनी सोच है और उसको इतना अच्छा रहा कि उसको लोगों ने अपना लिया जी जी। हम जब संगीत को कला के रूप में देखते हैं तो कई बार हमको शास्त्र पीछे छोड़ देना पड़ता है जी जी जी, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि शास्त्र जो है वो कला का अनुगामी होता है जी जी। अब अगर हम ताल रचना के सिद्धांतों को देखने लगे जी जी, तो हमें रुद्र, बसंत, अद्धा पंजाबी जैसे कई तालों को पीछे छोड़ देना होगा जी। अद्धा पंजाबी का पहला मात्रा ही डेढ़ मात्रे के बराबर होता है जी जी जी। रुद्र और बसंत के विभाग एक एक मात्राओं के होते हैं, जबकि ताल रचना के सिद्धांत में बताया गया है कि कम से कम दो दो मात्राओं का विभाग होना चाहिए जी जी। तो हम जब कला के रूप में किसी मतलब चीज को अपनाते हैं जी, तो एक हमारी सोच बदल जाती है जी। और दूसरी बात यह कि जब समाज में कोई चीज प्रचलित हो जाता है तो उसको मान्यता दे देनी चाहिए, ऐसा भी एक सामाजिक नियम है जी। डॉक्टर अमित वर्मा ने जो बातें कही हैं वो अलग ढंग से संगीत पर सोचते हैं जी, बिल्कुल अलग ढंग से सोचते हैं। हम लोग एक पारंपरिक ढंग से सोचते हैं, बाल सफेद हो गए, बूढ़े हो गए, तो हम लोग उस ढंग से चलते हैं जी, जी। अमित है नई ऊर्जा के आदमी है, तेज तर्रार है, तो वो अलग ढंग से सोचते हैं। और उन्होंने जो आज समीक्षा के विषय में जो बातें कही हैं सचमुच वो काबिले तारीफ है। मैं अमित की तारीफ करता हूँ, और वसुधा जी ने जिन मुद्दों को उठाया वसुधा जी की मैं तारीफ करता हूँ, क्योंकि वो शिक्षिका हैं, मैं भी शिक्षक कर्म से जुड़ा हुआ हूँ 1975 से, तो वो समस्याएं जो हम लोगों को आती हैं हम लोग झेलते रहते हैं, और उनका समाधान तभी होगा जब आप कोई सेमिनार करेंगे और उसमें हम लोग बैठेंगे और कुछ मतलब विचार विनिमय करेंगे। वैसे एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर पुरुष अधीश कहते हैं कि संगीतकारों को एक मंच पर लाना मेढक को तौलने जैसा काम होता है, क्योंकि वो एक जगह टिकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, और आपके प्रयास की मैं बहुत सराहना करता हूँ, आपके पूरे विभाग की, और बहुत अस्तुत कार्य आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत आज का ये व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, दोनों व्याख्यान, और दोनों का मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कॉम्बिनेशन कुछ बनेगा, और बहुत बढ़िया से कॉम्बिनेशन बन गया। और उसके लिए क्या
विचार है। और मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली सच्चे स्कॉलर रहे, जिनका छंद के ऊपर बहुत अच्छा काम है, बनारस घराने की बंदिशों के छंद के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य मेरे निर्देशन में किया है, और आगे हम कभी उनके छंद के ऊपर विचार को जरूर रखेंगे। ऐसे हमारे दीपक त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आभार और धन्यवाद ज्ञापन करें। वर्तमान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदासीन हैं। मैं दीपक त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आज के व्याख्यानमाला के दोनों अतिथि और हमारे आगंतुक सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित कर उनको आभार माने। सभी संगीत मनीषियों को मेरा सादर प्रणाम। लयताल प्रज्ञा प्रवाह निरंतर एक सप्ताह से प्रवाहमान है, और इस ज्ञान की चिंतन भागीरथी का सभी मज्जन पान कर सभी धन्य हो रहे हैं। आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में दोनों ही जो हमारे मुख्य वक्ता रहे, प्रथम वक्ता के रूप में प्रोफेसर वसुदा सक्सेना जी, द्वितीय वक्ता के रूप में डॉक्टर अमित वर्मा जी। जैसा कि अमित वर्मा जी ने कहा था कि मैं सबसे छोटा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे भी छोटा हूं, और यहां पर मैं आभार करने योग्य नहीं हूं, मैं आप लोगों की कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। तो आप गुरुजनों ने सारा सब कुछ कह दिया है, गुरुजी ने ही बहुत अच्छा सब प्रस्तुत कर दिया कि कैसे वसुधा सक्सेना जी ने एक एक बिंदु को क्रमवार उन्होंने बिंदुवार उठा के, और क्या उनमें समस्याएं हैं शिक्षण जगत में, संस्थागत शिक्षण जगत में, विश्वविद्यालयी शिक्षा में कैसे क्या समस्याएं आती हैं शिक्षकों को पढ़ाने में, तो वो एक उनका बड़ा विचारणीय बिंदु है, और उन्होंने परिसंवाद के लिए सबको प्रेरित कर दिया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं मैडम का कि उन्होंने इस दिशा की ओर एक राह खोल दी है। द्वितीय वक्ता के रूप में हमारे भाई अग्रज डॉक्टर अमित वर्मा जी ने, मैं आपके काफी लेक्चर इधर भी सुन रहा हूँ, आप हर बार एक नया विषय लेते हैं और नए विषय को इतने सूक्ष्मता से सोच करके उसको उसका विभागीकरण करके और उसको इतने प्यार से और इतनी सरलीकरण करके समझाते हैं कि उसका स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति अगर लगन से मन से सुन रहा है तो निश्चय ही उसको क्लियर हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो ये मुझे लगता है जो एक सप्ताह से निरंतर चल रहा है, यह तबला सत्संग है, लय ताल सत्संग है, संगीत का सत्संग है, जिसमें सभी लोग एक 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 धारा से जुड़ करके सत्संग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सत्संग का जो काल होता है, या तो वह उषा काल होता है या संधि काल होता है, और यह इन दोनों काल में किया गया सत्संग बड़ा फलदायी होता है और शुभ फलदायी होता है। और सत्संग की महिमा को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग में जो आनंद है वह स्वर्ग और स्वर्ग से इतर जितने सुख हैं उसके बराबर कोई सुख नहीं है। मैं उस संगीत एवं मंच कला संकाय का शोधार्थी रहा हूँ, इस पर मुझे बहुत गर्व है। आज मैं ऐसी संस्था से जुड़ करके मैंने अपना रिसर्च वर्क किया, अपने गुरुजी के अंडर में, प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी के अंडर में, उस विभाग से मेरा बड़ा गहरा नाता है, हृदय मेरा जुड़ा हुआ है वहां से, चाहे प्रोफेसर राजेश शाह हों, प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी हों, संगीता सिंह मैडम हों, सभी से मेरा एक जुड़ाव है। तो उन लोगों के प्रति भी मैं एक अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रोफेसर राजेश शाह सर के कार्य दक्षता, कार्य प्रवीणता को मैंने अपनी
आंखों से देखा है। आज हम ऑनलाइन देख पा रहे हैं कि वो संगीत की त्रिवेणी बहा रहे हैं, वो ऑफलाइन में भी त्रिवेणी बहाते थे। जब उन्होंने एक बार क्लास टीचिंग कराई थी, सेमिनार वर्कशॉप कराया था, साथ में वो क्लास टीचिंग भी कराते थे, जिसमें वायलिन की क्लास अलग चल रही है, तबले की क्लास अलग चल रही है, सितार की क्लास अलग चल रही है। तो ये उनकी कार्य दक्षता है और उनमें एक साहस है, और सबसे बड़ी बात काम कराने का कुवत है उनमें। वो हम लोगों से भी काम करा लेते थे कि कैसे इसको मैनेज करना है, हम ही लोगों को आगे करके और प्रेरणा देते थे कि बेटा ऐसे करना है और इसको करके दिखाना है। तो सर मैं आपको आज पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ कि आपने इतना अच्छा आयोजन आप अपने संरक्षण में करवा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। संगीता मैडम की क्या बात करूँ, वह सकारात्मक ऊर्जा से इतनी ज्यादा ओतप्रोत हैं कि उनका हर कार्य ही सफल होता है। तो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैडम आपने हम संगीत साधकों के लिए, तबला प्रशिक्षुओं के लिए, लयताल प्रशिक्षुओं के लिए, अनुसंधितों के लिए यह महान कार्य किया है। यह इस महनीय कार्य के लिए आप बार बार साधुवाद की पात्रा हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अंत में मैं अपने गुरु और इस पूरी श्रृंखला के आयोजक संयोजक प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी कहते हैं, मैं किंचन आपके बारे में क्या कह सकूंगा, परंतु नीति शास्त्र भी कहता है कि गुरु और मित्र की बड़ाई परोक्ष और अपरोक्ष दोनों में करनी चाहिए, और पुत्र और भाई की बड़ाई परोक्ष रूप से करनी चाहिए। तो गुरु जी आपकी तो मैं बड़ाई नहीं है, आपकी स्तुति कर सकता हूँ। आपने जो संकल्पना ली है, आपके विचार में संगीत के लिए, संगीत में जो संशयात्मक बिंदु हैं उनको सुलझाने के लिए जो आपका निरंतर चिंतन रहता है, मैं उसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, क्योंकि मैंने आपको हर समय देखा है चिंतन करते हुए, और उसी का परिणाम है कि आज आप इतनी बड़ी श्रृंखला का आयोजन इतने बड़े स्तर पर कर रहे हैं और एक निष्कर्ष की ओर आप ले जा रहे हैं। जितने भी संशय तबले में या संगीत में हैं वो निरंतर धीरे धीरे खुल रहे हैं, क्योंकि आज शोधकर्ता या शोधकर्ता बहुत जागरूक हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, सभी गुरुजनों से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। हमारे भी पंडित विजय शंकर मिश्र जी जुड़े हैं, जिन्हें मैं तो संगीत का इंसाइक्लोपीडिया कहता हूँ। मैं पंडित जी को हमेशा पढ़ता हूँ, जब उनकी लेखन शैली में पढ़ता हूँ तो मेरे यहाँ पे पिक्चर चलने लगती है। जैसे उपन्यास हम पढ़ते हैं ना, तो उपन्यास में क्या होता है कि एक सीन हमारे अंदर चलने लगता है, तो वो ऐसा लिखते हैं। मैंने अभी उनका एक अभी कुछ ही पिछले हफ्ते एक दिन सिद्धेश्वरी देवी जी के ऊपर लिखा हुआ लेख पढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसी सन में पहुंच गया हूँ, वही सिद्धेश्वरी जी का चेहरा मेरे आंखों में आ रहा है, वो कैसे सीखती थी। ये लेखन शैली होनी चाहिए। जब तक ये लेखन शैली नहीं आएगी तो किसी भी अनुसंधान या किसी भी लेखन का महत्व नहीं रहेगा। तो हमें इन बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके, प्रेरणा लेके हम लोगों को काम करना है। मैं भी थोड़ा बहुत प्रयास करता रहता हूँ या इन गुरुजनों को याद करके एकलव्य की भांति इन लोगों की पूजा करता हूँ। मैं आप मुझे जानते नहीं सर, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक और बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, और मैं रविनाथ गुरु जी से मैं जुड़ा रहता हूँ और आपकी चर्चा अक्सर करता रहता हूँ। तो अंत में मैं अपने आज संयोजक गुरु जी के लिए, आज चूंकि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, तो मैं कुछ अपनी चार पंक्तियां सुनाकर अपने गुरु जी के चरणों में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मेरा मन है रंगमंच तुम नायक हो, मेरा मन है रंगमंच तुम नायक हो, मेरी हर प्रस्तुति में तुम ही सहायक हो, मुझको ज्ञान नहीं है ललित कलाओं का, अलंकार रस छंद भाव विभावों का, तुम तो हो सर्वज्ञ सर्व गुण लायक हो, मेरा मन है रंगमंच तुम नायक हो, मेरा मन है रंगमंच तुम नायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस आयोजन के लिए सभी का कृतज्ञता ज्ञापित कर अपना प्रणाम स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। आप सभी लोग उनकी प्रतिभा से मुझे लगता है कि परिचित हुए होंगे उनकी वाणी से,
और इसी इतना ही अच्छा उनका छंद पे भी काम है, बनारस की बंदिशों में जो छंद है, सौंदर्य है, इसके ऊपर उनका बहुत ही अच्छा काम है। क्योंकि मेरा भी बहुत प्रिय विषय बंदिशें हैं और घरानों के ऊपर एक है वो, तो मुझे इतना अच्छा स्कॉलर मिला और हम लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। हम निश्चित रूप से एक छंद के ऊपर उनका एक व्याख्यान कराएंगे आगे, और मैं उनको इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर खूब उनको शुभकामना देता हूँ, खूब सारी आशीर्वाद देता हूँ। और मैं सभी गुणी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे समय साथ आज दोनों व्याख्यान में, थोड़ी समय भी बढ़ गया लेकिन उसके बाद भी पंडित विजय शंकर मिश्रा जी और हमारे डॉक्टर ब्रजरानी शर्मा जी, वसुधा सक्सेना जी तो आज की अतिथि रही हैं, गौरंग भावसार जी, ऐसे प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी, राहुल स्वर्णकार जी, मधु भार्गवा जी, ऐसे सभी गुणी आखिरी तक जुड़े रहे, महेंद्र प्रसाद शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, मैं सबको, राहुल स्वर्णकार जी, सबको मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व भी था, उसके बावजूद भी आप सब लोगों ने समय निकाला और इस ज्ञान विज्ञान, क्योंकि आप सब लोग विद्वान लोग जब आ जाते हैं तो बात जो वक्ता होते हैं उन्हें एक बहुत उत्साह मिलता है और बातचीत में करने में उस बात को रखने में वजन भी आ जाता है। तो मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। वेणु अनिता जी भी दिख रही हैं और भी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर दिख रहे हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम कल पुनः मिलेंगे, कल हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कल हमारे लिए पंडित जी, पंडित विजय शंकर मिश्रा जी का बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है, तो हम लोग समय से आए और हम लोग पूरा उसका मजा लें। कल सुबह सितार का भी होगा और उसके बाद फिर 4 बजे से फिर पंडित जी का हम व्याख्यान सुनेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान होगा क्योंकि वो मैंने जैसा कि कहा है कि हमारे विचारकों में अभी हिंदुस्तान में वो सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक है, तो उनका आशीर्वचन मिलेगा, उनका उनका मार्गदर्शन मिलेगा और उनसे बहुत सारे ज्ञान की बातें हमको कल मिलेगी। तो हम कल पुनः मिलेंगे, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आप पुनः धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब लोग कल फिर हम लोगों के समक्ष होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।